जो काम हम लोग कर रहे हैं ना यूएसपी के तहत, उसका आशय यह है कि ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात है उसको हम लोग मेनस्ट्रीम एजुकेशन में ला सके। तो उसके संदर्भ में क्या क्या चीजें अपने को ध्यान देने की है, उसको एक बेस वर्क हमने किया है यहाँ पर, अभी आप हम लोग के साथ तो शेयर करते हैं, और उसमें फिर जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उसको हम लोग कर सकते हैं। दो तरह के इम्प्रूवमेंट उसमें मुझे इमीडिएटली ध्यान में है। एक तो ये कि जितना स्कोप है इस बात का भी जो हम लोग रख रहे हैं, उस स्कोप को बढ़ाना हो तो उस दृष्टि से भी मतलब हम लोग का इनपुट आ जाए, और दूसरा जो बात हम लोग रख रहे हैं उस स्कोप के तहत उसकी डेप्थ और विड्थ जो है को बढ़ाने की बात है। तो कई सारी चीजों को हम लोगों ने एसेंस के रूप में रखा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करने जाते हैं तो उसके बहुत सारे फाइनल डिटेल्स को हमको रखने की जरूरत पड़ती ही है। तो उन फाइनल डिटेल्स की बात आप लोग ज्यादा डिटेल में हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैंने जो कोशिश की है वो तो ये किया है कि एक ब्रॉड स्कोप चीजों का अपने ध्यान में आ जाए, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें कोई छूटे नहीं, लेकिन एक बार वो ध्यान में आ गया तो उसके जो डेप्थ और विड्थ को बढ़ाने की बात है उसको तो अपने को करना पड़ेगा। तो जो दो तीन दिन तीन चार दिन की शेयरिंग है उसके हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है, लेकिन इसको काफी विस्तार रूप में तैयार किया जा सकता है, तो आगे के प्रेजेंटेशन से वो बात स्पष्ट होगी। तो एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट है जिस पर हम सबको काम करके इसको एक अच्छा बड़ा डॉक्यूमेंट हम लोग बना सकते हैं कि टोटल हम क्या काम करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या उसमें किया जा सकता है, उसके क्या क्या बारीकियां होंगी, वो सारा डिटेल अगर हम लोग बनाएंगे तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट इसमें से भी तैयार हो सकता है। तो हमने प्रिलिमिनरी वर्क कर दिया है, उसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ आप लोग के, जब उसमें इनपुट है उसको लेकर उसको हम लोग एनरिच कर सकते हैं, और पहले एक ब्रीफ इनपुट और फिर डिटेल इनपुट दोनों आ जाए तब उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन सकता है। तो सब लोग अपना इनपुट दे देंगे तो राजू भैया फिर उसको मुझे लगता है एनरिच कर सकते हैं। तो उसके साथ हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो ये तीन तरह की बातें हम लोग इसमें करना चाह रहे हैं, एक तो क्या शेयर करना चाहते हैं और फिर उसको शेयर करने जाएंगे तो कैसे शेयर करेंगे, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्यों करना चाहते हैं। तो क्यों शेयर करना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, कैसे शेयर करना चाहते हैं, ये तीन बातों पर ब्रॉडली हम लोगों ने यहाँ पर बात रखी है। तो पहले वाले को देखें, है ना, व्हाट टू शेयर। तो एसेंस में देखेंगे तो ये तीन बातें हैं, सहस्तित्व, व्यवस्था और संबंध, इसके बारे हम लोग शेयर करना चाहते हैं, और इसको भी और ब्रीफ करना चाहें तो सहस्तित्व के बारे हम शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो पूरा अस्तित्व है उसको सहस्तित्व के रूप में देखने का, समझने का, शेयर करने का काम हम लोग करना चाहते हैं। उसको थोड़ा और फैला कर देखेंगे तो सहस्तित्व, व्यवस्था, संबंध के बारे शेयर करना चाहते हैं, उसी को आगे हम लोगों ने यहाँ विस्तार किया है। सहस्तित्व, व्यवस्था और संबंध जो है ही उसको शेयर करना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा फैला कर देखेंगे तो जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है उसके बारे हम शेयर करना चाह रहे हैं, जो अस्तित्व सहज वास्तविकताएं हैं उसको शेयर करना चाह रहे हैं, और उन वास्तविकताओं को समझने जाएंगे तो मूल रूप से ये तीन बातें हैं, अस्तित्व, व्यवस्था और संबंध। तो जो कुछ है वो अस्तित्व, व्यवस्था, संबंध पूर्वक है, जो कुछ होना है वो अस्तित्व, व्यवस्था और संबंध पूर्वक होना है, और जो कुछ भी करना है उसको अस्तित्व, व्यवस्था और संबंध पूर्वक करना है। तो ऊपर उसको लिख रखा है हमने, है, होना और करना, ये तीनों अस्तित्व पूर्वक ही होगा, व्यवस्था पूर्वक ही होगा, संबंध पूर्वक ही होगा।
एसेंस बात देखेंगे तो ये पूरी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को देखें तो सहस्तित्व व्यवस्था संबंध है, जो कुछ होना है इसी अर्थ में होना है, जो कुछ हमको करना है वो इसी अर्थ में करना है। ये एसेंशियल बात है जो हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। इसको नीचे थोड़ा सा फैलाया हम लोगों ने, सहस्तित्व व्यवस्था संबंध है उसका मतलब क्या है। तो सहस्तित्व है का मतलब शून्य में संपृक्त इकाइयां हैं, जड़ इकाइयां हैं, चैतन्य इकाइयां हैं। तो देयर आर यूनिट मेटीरियल एंड कॉन्शियसनेस यूनिट विच आर समर्ज इन स्पेस, और उसके डिटेलिंग के बारे में तो बात हम लोग बहुत सारा करते ही हैं। इसी तरह से व्यवस्था है तो स्वयं में व्यवस्था है हर इकाई, तो हर इकाई को देखेंगे तो हर इकाई में व्यवस्था दिखाई पड़ती है, उसका व्यवस्था में होना दिखाई पड़ता है। और तीसरा संबंध है, परस्परता में संबंध है, हर इकाई का दूसरी इकाई की परस्परता में संबंध है। ये जो तीन बातें हैं इसी को हम लोगों ने दूसरे शब्दों में जो व्यक्त किया है वो यह है कि वो हार्मनी एट डिफरेंट लेवल्स के रूप में ये एक्सप्रेस होती है, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एक्सिस्टेंस। इसके भाषा को थोड़ा करेक्शन करते रहेंगे हम लोग। तो ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एक्सिस्टेंस के लेवल पर हार्मनी के रूप में हम लोग इसको देखते रहे हैं। राजू भाई आपने इसको करेक्शन करके भेजा है क्या? इसका स्पेलिंग चेंज नहीं किया था गणेश जी अभी, ठीक। तो ये मूल बात है कि ऐसा है ही, सहस्तित्व व्यवस्था संबंध है ही, और उसी को हम लोग अलग अलग स्तर पे हार्मनी के रूप में देखते हैं। हार्मनी इज द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एक्सिस्टेंस। एक वास्तविकता यह है जो हमको बात करनी है। दूसरा है कि जो कुछ भी होगा या हो रहा है या होना है वो सहस्तित्व पूर्वक ही होना है, व्यवस्था पूर्वक ही होना है, संबंध पूर्वक ही होना है। और चूंकि सहस्तित्व है, व्यवस्था है, संबंध है, और इसी के आधार पर चीजों का होना है, इसलिए हमारे लिए भी जो करना बनता है वो यही बनता है कि हम सहस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझें, उसके अर्थ में करें। तो जो कुछ करना है करवाना है वो सहस्तित्व पूर्वक करना है, सहस्तित्व पूर्वक करवाना है, यही करने का काम बनता है। तो पूरा विस्तार देखेंगे तो यही सहस्तित्व व्यवस्था संबंध है, जो कुछ होना है इसी के अर्थ में होना है, जो कुछ करना है इसी के अर्थ में करना है। तो ये मूलभूत वास्तविकता है जो हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसी को हम लोग अलग अलग ढंग से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तो उसका एक ढंग जो था वो ये था कि डिफरेंट लेवल्स पर हार्मनी के रूप में, व्यवस्था के रूप में ये दिखता है, उसी को हम लोग परिवार स्वयं से लेकर परिवार, समाज, प्रकृति और पूरे में व्यवस्था के रूप में रख रहे हैं। उसी को जब विस्तार करते हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है ना, ये जो संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व या सहस्तित्व व्यवस्था और संबंध जब हम देखते हैं और उसके विस्तार को थोड़ा देखने जाते हैं तो इस रूप में दिखता है कि इकाइयां हैं, स्पेस है, इकाइयां स्पेस में हैं और उसकी डिटेल्स हैं, है ना, कि इकाइयों का निश्चित आकार है, सीमा है, स्पेस जो है असीम है, इकाइयां क्रिया के रूप में दिख रही हैं और स्पेस जो है क्रिया शून्य है, नो एक्टिविटी है। ये सब डिटेल से हम लोग परिचित हैं, बहुत एसेंशियल बातें बस मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। तो यूनिट्स को देखेंगे तो मेटेरियल यूनिट एंड कॉन्शियसनेस यूनिट है। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि टाइम में देखेंगे तो मेटेरियल यूनिट टेम्परेरी, कॉन्शियसनेस यूनिट जो है वो कंटिन्यूअस है। मेटेरियल यूनिट में रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग का काम हो रहा है, कॉन्शियसनेस यूनिट में नोइंग, एज्यूमिंग, रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग का काम हो रहा है। मेटेरियल यूनिट्स को फैलाएंगे तो फिजिकल ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर के रूप में का बहुत सारा विस्तार यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर है, एनिमल और ह्यूमन ऑर्डर में देखेंगे तो सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में है। इसको और विस्तार से देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग में जो सेल्फ का होना है और उसका जो आचरण होना है उसमें
ये राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग का महत्वपूर्ण रोल है और उसी के आधार पर उसका आचरण निश्चित हो पाता है। तो ये जो जानने मानने के साथ पहचाना निर्वाह करना है, उसमें जानना महत्वपूर्ण है, उसके अर्थ में ही मानना पहचानना निर्वाह करना सही हो पाता है, निश्चित हो पाता है। तो पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो बाकी सब इकाइयां निश्चित व्यवस्था में है, संबंध पूर्वक निर्वाह कर रही है, मानव को सही समझ के आधार पर व्यवस्था में होना बनता है। तो ये जो सही समझ और उसके साथ सही भाव का होना है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बींग के लिए, उसके साथ ही उसका आचरण निश्चित हो पाता है, सही हो पाता है। तो ये जो वायलेट कलर में वो है वो मुख्य मनुष्य के लिए करने का काम है। तो इस बात को मुख्य यहाँ पर तो ये जो एलो वाला जितना भाग है वो ऑलरेडी हो चुका है, ये जो वायलेट वाला है वो काम होना है। तो इस बात पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं पास में, बट मैं ये सबको यहाँ इसलिए रख दे रहा हूँ क्योंकि सब हमारे ध्यान में रहे और उसके साथ ही हम जो शेयरिंग का काम है वो हम लोग करते हैं या करेंगे। तो जो येलो वाला है वो हो ही रहा है, दिस इज ऑलरेडी इन हार्मनी। जो वायलेट वाला है वो रिमेनिंग है और उस पर हमको काम करना है, और वो काम देखेंगे तो मुख्य रूप से सेल्फ के द्वारा काम होना है और सेल्फ में ही काम होना है। सेल्फ में ठीक से काम हो जाएगा तो बाहर उसका एक्सप्रेशन सहज रूप से होने लगेगा। फिर सेल्फ में जो काम होना है उसके साथ बाहर व्यवहार कार्य में जो काम होना है मानव के स्तर पर, और फिर उसी का जो एक्सप्रेशन है समाज के स्तर पर उसको देखेंगे। तो ये जो नीचे का एक ब्लॉक है जिस पर भी बहुत सारी बात हुई है कि ह्यूमन बींग के आचरण को देखें, ह्यूमन बींग के जीने को देखें, तो ये नीचे का जो ब्लॉक है B1 से लेकर B2, B3 और B4 का, इतने पर अपने को मुख्य रूप से काम करना है। तो पूरा अगर ये काम हो गया तो अस्तित्व का जो अनफोल्ड होने का पूरा प्रोसेस है, एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है। तो ह्यूमन बींग के होने तक तो जो एक्सप्रेशन होना था वो हो गया है, ह्यूमन बींग के माध्यम से जो एक्सप्रेशन होना है वो काम अगर पूरा होगा तो कोएग्जिस्टेंस जो बेस में है वहां से लेकर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक की अनफोल्डिंग का प्रोसेस पूरा हो सकता है, और ये प्रोसेस आदमी के थ्रू होगा। तो ये एसेंशियल बात है पूरे अस्तित्व को देखेंगे। इसके साथ जब हम मानव को देखते हैं, अस्तित्व का इस पूरा डिटेलिंग को देखने के बाद जब हम मानव को देखते हैं तो ये पता लगता है कि मानव के लिए जो करने का काम है वो इतना है। एक काम है सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध जो है ही उसको समझना है, दूसरा सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में होना है। तो हमको ये समझ में आ जाए एक भाग है, उसके अर्थ में ही हमारा भाव विचार चलने लगे ये दूसरा भाग है, और फिर इसी के अर्थ में हमारा परस्परता में जो करना है वो होने लगे। तो सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में करना, तो उसके अर्थ में व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी वो करना है। तो इतना हमारे लिए करने का काम है, ये जो सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध है ही उसको समझना है। उसी के लिए भाषा प्रयोग किया हम लोगों ने, B1 की जब बात कर रहे थे कि अनुभव को चिंतन हो जाए हमको उसका, उसके आधार पर हमारा भाव विचार चलने लगे। इसी को दूसरी भाषा में जब देखने गए तो ये दिखाई पड़ता है कि मनुष्य के जो चाहना है वो निरंतर सुख की है। ह्यूमन एस्पिरेशन इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज टू बी इन हार्मनी, इसलिए निरंतर सुखी होने का जो प्रोग्राम बनता है वो इन सब स्तर पर व्यवस्था को समझने का और व्यवस्था में जीने का। तो वो जो सहस्तित्व व्यवस्था संबंध की बात हम लोग कर रहे थे उसी को अगर रिफ्रेश करेंगे तो इस रूप में दिखता है कि मानव की तरफ से देखें तो मानव की मूल चाहना जो है वो निरंतर सुखी है, और सुखी होने का मतलब देखेंगे तो व्यवस्था में होना है, और इसलिए आदमी से लेकर पूरे अस्तित्व तक जो व्यवस्था का स्वरूप है उसको समझना
और उस व्यवस्था के अर्थ में अपना भाव विचार होना, उसके अर्थ में जीना, यही हमारे निरंतर सुखी होने का प्रोग्राम है। ये जो फॉर्मुलेशन है इसको बेस में लेकर हम लोग अभी सारा, अगर यूएचबी के कोर्स को देखेंगे तो सारा कोर्स को हम लोगों ने इस रूप में डिजाइन किया है। तो इसी को दूसरी भाषा में जैसा हम लोग अभी कह रहे थे, कह सकते हैं कि सहस्तित्व व्यवस्था संबंध है ही, उसको हमको समझना है, उसके अर्थ में अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना है, उसके अर्थ में अपने व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो टोटल देखेंगे तो ये है कि हमको इतनी वास्तविकता को जी, तो ये काम हमको करना है मानव के रूप में देखेंगे तो। पूरे अस्तित्व की वास्तविकता के बारे में बात किया हम लोगों ने, मानव की वास्तविकता के बारे में बात किया, उसी को हम लोग दूसरे टर्म में इस तरह से रख रहे हैं कि मानव के जीने को पूरा देखेंगे तो रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस विद इन से लेकर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का एक्सप्रेशन है ना आउटसाइड, यहाँ तक का हमारा जीने का फैलाव है। इसके भी विस्तार को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि ये सब आप लोग परिचित हैं, बट उसका मैं एक प्लेसमेंट, ब्रॉड प्लेसमेंट कर दे रहा हूँ। और इसी को हम लोगों ने करने जाए तो इस रूप में करना है कि अपने जीने का जो विस्तार है उसके लिए करना क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए तो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से हमको गुजरना है, जिसमें वास्तविकता के बारे, अस्तित्व सहज वास्तविकता के बारे जो प्रस्ताव है उसको अपने अधिकार पर जांचना है ना, उसके अपने अधिकार पर जी कर उसको वेरीफाई करना है, और इस प्रोसेस में ये पूरी वास्तविकता को समझना है जो इन चार स्तर पर हारमनी के रूप में दिखाई पड़ता है। एक बार वो समझ में आ गया तो उसके अर्थ में अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना है और उसके अर्थ में अपना व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी करना है। और उसके लिए इमीडिएट जो प्रोसेस हमको इनिशिएट करना है, जो हम लोग सुबह के एक्सरसाइज में कर रहे हैं, वो एक तो सेल्फ अवेयरनेस का है और फिर सेल्फ इवेल्युएशन का है ना, और उसके माध्यम से सेल्फ प्यूरिफिकेशन का है। ये जो संस्कार की बात है उसके बारे ये बात हम लोगों ने कही कि हम सब संस्कार से युक्त हैं ही, तो एक्सेप्टेंस संस्कार क्या है उसको हम लोगों ने इस रूप में परिभाषित किया है अभी तक। इसको मैंने रेड से नीचे वाले को इसलिए लिख दिया है क्योंकि इस पर हम लोग को थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। तो संस्कार को अभी तक हम लोग जो परिभाषित कर रहे हैं वो एक्सेप्टेंस इज डिराइव्ड आउट ऑफ डिजायर थॉट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल टाइम, अभी तक जो भी हमारे इच्छा विचार आता है ये कल्पना चिंता में गया है उसके आउटकम के रूप में है ना। तो इससे ये जो नीचे लिखा है वो एक लेवल पर तो इंक्लूडेड है, लेकिन उसको मुझे लगता है कि और एक्सप्लिसिटली भी मेंशन करना चाहिए, बट उसको करना है कि नहीं करना है उसको देख लेंगे, आप सबकी राय इसमें क्या है वो बता दीजिए कि एन एक्सेप्टेंस इज डिराइव्ड आउट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये बात को भी उसमें ऐड करना है, ऐसा मुझे लगता है एक्सप्लिसिटली लिख देना ठीक रहेगा। हालांकि ऊपर वाले से हम कह सकते हैं कि जब अपनी कल्पनाशीलता में सही का विचार चलता है, कल्पना चलती है, तो उसके एवज में फिर हमको अपने में जांचने का काम होता है और उसमें हम सही सही को देख पाते हैं, तो वो भी संस्कार इसमें आ जाएंगे। बट इसको अलग से रखना है कि नहीं रखना है इसको मैंने ओपन कर दिया है कि आप सब लोग के फीडबैक के लिए। और ये संस्कार के अपडेट होने का जो प्रोसेस है वो सबसे आप परिचित हैं। तो इसके साथ अभी अपने सेल्फ के डेवलपमेंट को देखेंगे तो ऐसा दिखता है, ये जो छह स्टेज की बात यहाँ पर हम लोगों ने की है उसको अपन देख सकते हैं। तो पहले कल्पनाशीलता के जब काम कर रहे हैं तो प्रिपेरेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे ऊपर अगर चले गए कंटेम्पलेशन अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन पर तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का काम ठीक से शुरू होता है। तो वो सारा डिस्क्रिप्शन है, इससे भी आप लोग परिचित हैं। तो ये जो सारी बात है
ये जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन अभी दिया हम लोगों ने, उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों ने ये सारे लेवल के कोर्सेस डिजाइन किए हैं, पीएचबी 1 से लेकर पीएचबी 8 तक। तो उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम लोगों ने रखा है। तो पीएचबी 1 में जो है करेंट इश्यूज जो है उसके बारे हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके उसमें प्रॉब्लम क्या है उस पर बात कर रहे हैं। तो एक तो सॉल्यूशन फोकस ढंग से देखेंगे तो ये टॉप इश्यूज आज के दिन है उसका क्या मतलब है ना, और उसमें से क्या प्रॉब्लम आज के दिन हम फेस कर रहे हैं, और कैसे हम वास्तविकता को समझने के आधार पर इन सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम लोग निकाल सकते हैं। ये बेसिकली पीएचबी 1 में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इश्यूज इन द करेंट सिचुएशन, सॉल्यूशन फोकस्ड एंड प्रॉब्लम फोकस्ड बोथ, एक्सप्लोरिंग इनटू देम टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न्ड रियलिटी एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो अल्टीमेटली हम टारगेट ये रख रहे हैं कि जिस रियलिटीज के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे हम ठीक से समझ सकें, और उसके आधार पर उसके साथ जीने में अपने सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, समाधान क्या हो सकता है, इसको तय कर सकते। पीएचबी 2 में बेसिक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एक्सप्रेशन ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड इट्स फुलफिलमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। इस पर हम लोग पीएचबी 2 में बात कर रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन मैंने बताया लिखा। पीएचबी 3 में ह्यूमन बीइंग नेचर और एग्जिस्टेंस को और ज्यादा डिटेल में समझने का काम कर रहे हैं। ऐसा समझ के जब हम जीने जाएंगे समाज में तो समाज कैसा होगा उसको पीएचबी 4 में डिस्कस कर रहे हैं, विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स एक्सप्रेशन इन रिलेशनशिप एंड सिस्टम इन द ह्यूमन सोसाइटी। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं पीएचबी 4 में। अभी तक जो दर्शन प्रतिपादित किए गए हैं उन दर्शनों में ह्यूमन वैल्यूज के बारे क्या कहा गया है उसके बारे हम लोग पीएचबी 4 में बात कर रहे हैं। ये ह्यूमन वैल्यूज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी इन डिफरेंट दर्शन ट्रेडिशन इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट में और प्रेजेंट में जो भी दर्शन है उसमें उन्होंने एग्जिस्टेंस रियलिटी को कैसे समझा है और उसके आधार पर ह्यूमन वैल्यूज की क्या बात की है इसको कर रहे हैं। और इसका आशय यह है कि जो ओवरऑल समझने की बात है उसको समझने का काम कोई पहली बार कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, ये सब काम हुआ है और अभी भी किया जा रहा है। तो उन्होंने एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को कैसे देखा है और उसके आधार पर मानवीय मूल्यों का सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को कैसे कंसीव किया है उसको समझेंगे तो इन सब में एक रूपता को और पूरकता को हम लोग तय कर पाएंगे। तो इतने कोर्सेस अभी तक हम लोगों ने डिजाइन किए हैं और उसको ऑफर कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो डिटेल में जाने की बात है तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे डिटेल में जाने का काम ह्यूमन सोशियोलॉजी और ह्यूमन इकोनॉमिक्स पर। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे लिखा, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस रियलिटी एज कोएग्जिस्टेंस हार्मनी रिलेशनशिप एंड ह्यूमन बीइंग एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। इस बेस में हम लोगों ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का काम और इसको दूसरों तक पहुंचाने का काम करें। ह्यूमन साइकोलॉजी में देखेंगे तो ये बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस रियलिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद ह्यूमन बीइंग एंड द रेस्ट ऑफ नेचर, और ह्यूमन इकोनॉमिक्स को बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस रियलिटी एंड इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग नर्चरिंग प्रोटेक्शन एंड आर्टिकुलाइजेशन ऑफ द नेचर इंक्लूडिंग बोथ ह्यूमन बीइंग एंड द रेस्ट ऑफ नेचर। तो इतने चीजें हम लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेसिक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी की बात हम लोगों ने शुरू की उसके संदर्भ में। इस पर भी थोड़ा और रिफाइनमेंट जो करने की जरूरत है उसको हम लोग को कर लेना चाहिए, बट एक ब्रॉड व्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो इतनी बात हम व्हाट टू शेयर के बारे जो है हम लोगों ने रखी है यहाँ पर। इसके संदर्भ में जो चर्चा है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर हाउ टू शेयर वाले मुद्दे पर बात शुरू करेंगे। जी, तो ये जो दो बेस है हमारे पास अस्तित्व के होने के संदर्भ में,
या अस्तित्व सहज वास्तविकताओं के संदर्भ में, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के संदर्भ में, एक तो ये बात कि पूरा अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध के रूप में है, तो जो कुछ है, जो कुछ होना है, जो कुछ करना है, वो सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक इसी के अर्थ में होना है, एक तो ये बात। और उसी के संदर्भ में जब मानव के जीने को देखते हैं तो हमको सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझना है, उसके अर्थ में अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना है और उसी के अर्थ में व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी करना है। तो हमारे भी ना समझने, होने और करने का जो विस्तार है वो इतना है। ये दो बातें हमको बैकग्राउंड में है, तो उसके साथ अब उसको हम लोग परस्परता में ध्यान में रखकर अपनी स्थिति गति को और दूसरों के स्थिति गति को और सारे वातावरण को ध्यान में रखकर इसको हम लोग अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसके बारे थोड़ी सी बात किया था कि एक जो कॉमन अभी हम लोग बेस लेकर चल रहे हैं वो ये है कि मानव की मूल चाहना जो है वो सुख की निरंतरता है और सुख व्यवस्था में जीने के रूप में ही है, और इसलिए हमारा जो निरंतर सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम बनता है वो इन चार स्तर पर व्यवस्था को समझने और व्यवस्था में जीने के रूप में बनता है। तो ये एक विस्तार हम लोगों ने उसमें रखा था, लेकिन उसको कई ढंग से रखने का प्रयास किया हम लोगों ने। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये जो 6-8 कोर्सेस की बात UHP के हम लोग कर रहे हैं, UHP 1 से लेकर UHP 8 तक, उसमें है ना इसी मूलभूत बात को कि सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध है, होना है और करना है, उसी को अपने स्थिति गति, दूसरे की स्थिति गति और पूरे देश काल परिस्थिति के बैकग्राउंड में इस रूप में सारा रख रहे हैं हम लोग। तो ये हमको ध्यान में रहे, उसके साथ अब कैसे शेयर करना है इस पर हम लोग थोड़ी बात कर सकते हैं। तो कैसे शेयर करना है इसको देखने जाएंगे। तो जैसा हम लोगों ने कहा कि मूल वास्तविकता तो यही है कि सहअस्तित्व व्यवस्था संबद्ध है और यही होना है और यही करना है, तो इसलिए शेयर करने जाएंगे तो उसका भी अधिष्ठान तो यही होगा, आधार तो यही होगा। तो सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक ही हमको शेयर करना है, एक दूसरे के साथ जो संवाद होना है, जो आदान प्रदान होना है, वो सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक होना है। कोर बात कहेंगे तो इतना है। इसको जितना भी फैला कर देखना चाहे देख सकते हैं और जितना भी समेट कर देखना चाहे देख सकते हैं, बट इन एसेंस ये है कि जो भी हम शेयर कर रहे हैं उसको शेयर करने का विधि जो है, तरीका जो है, वो यही होगा, सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक हमको शेयर करना। तो उसका एक विस्तार यहाँ पर हम लोगों ने किया है कि सहअस्तित्व में अनुभव पूर्वक हमको शेयर करना है, व्यवस्था का बोध पूर्वक शेयर करना है, संबंध का चिंतन पूर्वक शेयर करना है। ये संबंध का चिंतन होता है तो उसके साथ संबंध की स्वीकृति हमारे में होती है, तो संबंध की स्वीकृति पूर्वक हमको शेयर करना है। उसी को थोड़ा और फैलाएंगे तो संबंध की स्वीकृति, संबंध में भाव जैसे विश्वास, स्नेह, वात्सल्य पूर्वक, और ये संबंध में भाव बन गया, स्वीकृति हो गई संबंध की, उसमें भाव बन गया, तो संबंध में भाव पूर्वक संवाद करना, आदान प्रदान करना, यही मूल विधि है। तो मूल विधि के रूप में देखेंगे तो ये, और इसमें ये तीनों बातें जो लिखी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सहअस्तित्व में अनुभव पूर्वक जब हम शेयर करने जाते हैं, व्यवस्था का बोध पूर्वक जब हम शेयर करने जाते हैं, संबंध का चिंतन पूर्वक जब हम शेयर करना जाते हैं तो संबंध की स्वीकृति और संबंध में भाव के साथ जब हम संवाद करते हैं तो जितना हमारी गति है उतना इफेक्टिवली हम कर पाते हैं। तो अगर संबंध में चिंतन का काम हुआ है, संबंध की स्वीकृति बन गई है, तो हम अच्छे से दूसरे तक अपने को जोड़ पाते हैं, दूसरा भी हमको स्वीकार पाता है। कम से कम संबंध और संबंध में भाव के बारे में तो हम ठीक से कम्युनिकेट कर नहीं पाते। इसी तरह से जितना जितना हमको व्यवस्था का बोध होता जाता है उतना उतना हम दूसरे को व्यवस्था का बोध कराने में सहयोग नहीं हो पाते हैं, और जितना जितना हमको सहअस्तित्व में अनुभव होने की जगह पर हम गति करते हैं उतना उतना हम दूसरे को भी गति करने में सहयोग कर पाते हैं।
तो अपने में जो काम होना ये अस्तित्व में अनुभव का जो काम होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्था के बोध का जो काम होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और व्यवस्था में भागीदारी का जो चिंतन, संबंध का जो चिंतन होना है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसके साथ संबंध की जो स्वीकृति है और संबंध में जो भाव है उसका स्थिर होना ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये काम सब हमारे में होने लगे तभी हम दूसरे तक उसको बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। और इसीलिए हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट का जो काम है वो सबसे प्राइमरी काम है। उसके साथ टीम डेवलपमेंट का काम, उसके साथ सोसाइटल डेवलपमेंट का काम। इसमें ये बात जरूर है कि जब हम किसी को इस तरफ ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, तब कई बार वो सेल्फ डेवलपमेंट की जगह से जुड़ने के बदले टीम डेवलपमेंट की जगह पर जुड़ पाता है या सोसाइटल डेवलपमेंट की जगह पर जुड़ पाता है और उसको बहुत सारी हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्रम देखेंगे तो टीम डेवलपमेंट के थ्रू लोग जुड़ते हैं, है ना, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं और धीरे धीरे उनका सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान जाता है। बट उसमें भी एक बेसिक बेस वर्क तो हम लोग करते ही हैं, है ना, कम से कम एक इंट्रोडक्टरी शिविर का एक्सपोजर, कुछ रिफ्रेशर का एक्सपोजर, कुछ रेगुलर मीटिंग। तो एक लेवल का सेल्फ डेवलपमेंट तो जरूरी है ही, लेकिन हम लोग जो इस काम में निष्ठापूर्वक लगे हैं और उसको कर रहे हैं उनके लिए तो अब ये बात, ये सीक्वेंस अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि सेल्फ डेवलपमेंट सबसे फोकस की चीज़ है, केंद्र की चीज़ है। जितना जितना हम सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे अपने में, खुद का अपना हम टीम डेवलपमेंट का काम भी कर पाएंगे और सोसाइटल डेवलपमेंट का काम भी कर पाएंगे। तो ये जो सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट का जो पूरा एक क्रम हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, ये भी एक विधि के रूप में है ना, है जो ऊपर बात कह रहे हैं कि अस्तित्व में अनुभव पूर्वक, व्यवस्था का बहुत पूर्वक और संबंध का चिंतन पूर्वक है ना हमको शेयर करना है। उसी को अगर एक और ढंग से रखेंगे तो ये तीन बातें उसमें दिखेंगी, सेल्फ डेवलपमेंट की, टीम डेवलपमेंट की और सोसाइटल डेवलपमेंट की। तो बहुत कोर में देखेंगे तो ये बात है कैसे शेयर करना, उसके संदर्भ में ये मूलभूत बात हम लोगों ने यहाँ पे रखी है। इसको अब हम लोग आगे विस्तार कर सकते हैं, है ना, उसके बहुत फाइनल डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन हर बार मेरा ये कहना है कि हमको लौट कर यहाँ पे आ जाना चाहिए, है ना। तो कैसे शेयर करना है तो उसका उत्तर यही है, सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक। और उसके लिए जरूरी है कि सहअस्तित्व में अनुभव हमारे में हो तो ज्यादा प्रभावी ढंग से हम कर पाएंगे, व्यवस्था का बोध हो, संबंध का चिंतन हो, संबंध की स्वीकृति हो, संबंध में जो भाव है वो हमारे में सुनिश्चित हो, उसकी निरंतरता हो, तब हम उस बेस में आगे का शेयरिंग का काम कर सकते हैं, संवाद का काम कर सकते हैं, आदान प्रदान का काम कर सकते हैं। और उसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट का काम हो जाए, उसके साथ फिर टीम डेवलपमेंट का काम हो जाए, उसके साथ हम सोसाइटल डेवलपमेंट के काम के लिए तैयार हो पाते हैं। तो इसको बेस में रखकर आगे की बात करेंगे हम लोग। तो अगर संबंध का भाव, संबंध की स्वीकृति हो गई जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट के संदर्भ में देखेंगे तो शिक्षक के अंदर विद्यार्थी के प्रति एक स्वीकृति का भाव बन गया, संबंध की स्वीकृति का भाव बन गया है, उसके अंदर विश्वास का भाव, वात्सल्य का भाव, स्नेह का भाव ये बन गया है, तब जाकर हम आदान प्रदान करने के लिए तैयार हो सकते हैं या तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक डिटेल लिखा है, बट ऐसे बहुत सारे डिटेल धीरे धीरे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं और बात को अगर ध्यान में रखें तो। तो यहाँ पर हम लोगों ने टीचर के रोल के बारे में लिखा है, तो पहली बात ये लिखा है शेयरिंग थ्रू फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, एक तो बेस में है ये। उसके साथ जब रोल ऑफ टीचर को देखते हैं तो एक को एक्सप्लोरर के रूप में टीचर हमको दिखाई पड़ते हैं। इस पर हम लोग बहुत बार बात किए ही हैं कि अगर हमको सहअस्तित्व में अनुभव बोध और चिंतन वाला काम हो गया है तब तो ठीक है, तब तो हम एक तरह से है ना एक जगह खड़े होकर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम भी उस प्रक्रिया में हैं
तो उस काम को करें कि नहीं करें, तो कर सकते हैं, एक को एक्सप्लोरर की तरह कर सकते हैं। तो एक तो संबंध का भाव और दूसरा इस बात की स्वीकृति की भाई इस पूरे प्रोसेस में हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और दूसरा भी एक्सप्लोर कर रहा है और हम दूसरे के एक्सप्लोरेशन में सहयोग कर रहे हैं। तो इसके साथ जब हम देखने जाएंगे तो ये तीन बातें यहाँ पर लिखी है जो महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि द टीचर इज क्लियर दैट द स्टूडेंट वांट्स टू बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, जो विश्वास के भाव की हम लोग बात कर रहे हैं। देयरफॉर वांट्स टू अंडरस्टैंड, ही कैन अंडरस्टैंड बट ही मे हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, मे हैव लेस अंडरस्टैंडिंग देन द टीचर, सो मे मेक मोर मिस्टेक्स। तो मुख्य बात यह कि हमारा विद्यार्थी के प्रति, स्टूडेंट के प्रति एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट है, उसके इंटेंशन पर तो हमको ट्रस्ट बना हुआ है। कॉम्पिटेंस उसकी कम ज्यादा हो सकती है, और ये निश्चित रूप से इतना तो हम मानकर चल रहे हैं कि अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप की बात है तो टीचर इज लाइकली टू हैव मोर कॉम्पिटेंस देन द स्टूडेंट, और इसलिए स्टूडेंट्स की गलती करने की संभावना ज्यादा है। इस बात की स्पष्टता टीचर में होनी जरूरी है, और इस बात का स्वीकृति कि भाई वो समझना तो चाहता ही है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, लेकिन उस तरह का उसकी योग्यता भी नहीं है और इसलिए उसको समझने में जीने में कठिनाई हो सकती है, इस बीच में गलतियां हो सकती हैं। तो ये जो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट है हमारा विद्यार्थी के प्रति, और ये स्वीकृति है कि भाई वो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि हम इस प्रक्रिया में उसका सहयोग करें। हम खुद भी अगर उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो हम एक को एक्सप्लोरर की तरह उसका सहयोग कर सकते हैं। तो ट्रस्ट की फीलिंग, उसके साथ साथ ये जो वात्सल्य का भाव है, फीलिंग ऑफ गाइडेंस, वो भी महत्वपूर्ण है। उसी को लिखा है, हैज द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द स्टूडेंट। तो ये जिम्मेदारी का भाव हमारे में हो, हमको विद्यार्थी को जांचना है, हमको विद्यार्थी को सही समझने में सहयोग करना है। तो ये स्वीकृति हमारे में होगा तो ये हो सकता है कि हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बट ये जिम्मेदारी का भाव होगा तो हम अपनी योग्यता को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है ना। और ये सारे प्रोसेस में जो हमारी अपेक्षा है वो ये है कि उसको उसके समझ में है ना वृद्धि हो, समझने में उनको सहयोग मिले, और ये भी हमको स्पष्टता हो कि ये समझने का काम मैं उसके लिए कर दूंगा ऐसा नहीं है, उसको खुद ही करना पड़ेगा। और इसलिए हमारा जो रोल हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम उसको इनिशिएट कर सकें उसमें, ये प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन है ना, और जो अगर ऑलरेडी चल रहा है तो उसको स्ट्रेंथन कर सके। तो ये जो बात लिखी है कि पर्पस ऑफ शेयरिंग इज टू हेल्प इनिशिएट स्ट्रेंथन सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन द स्टूडेंट, तो हम चाहते हैं कि वो समझे, उसमें हम सहयोग करना चाहते हैं, बट समझने का प्रक्रिया ये नहीं है कि हम उसको इंस्ट्रक्शन भर दे दें, बल्कि हम उसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर दें और स्ट्रेंथन करते रहें ताकि वो खुद अपने अधिकार पर, अपने जिम्मेदारी पर चीजों को समझ सके। ये तीसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने इंगित किया है, टू एंश्योर डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट इन हिमसेल्फ हरसेल्फ। तो टीचर को अपने पर काम करना जरूरी है, अपने में ये ह्यूमन कंडक्ट को एंश्योर करना जरूरी है ना? और उसके लिए लगातार प्रयास है ना करते रहना जरूरी है, एटलीस्ट मेक कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर एक्सलेंस एज ए को एक्सप्लोरर। तो अगर हम भी इस प्रोसेस में चल रहे हैं तो अपने में एक्सलेंस को लाने के लिए हमको बहुत इंटेंसिव प्रयास करना चाहिए, और इस दौरान अपने को एक को एक्सप्लोरर के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक टीचर के रूप में। तो इस तरह की डिटेलिंग्स हम लोग पास्ट में भी किए हैं, उसको यहाँ भी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो जो मूलभूत बात थी कि अस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक हमको शेयर करना है, वही मूल विधि है, उसका एक्सप्रेशन किस किस रूप में दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग यहाँ पर अभी कुछ उदाहरण रख दे रहे हैं, बट इसको हम सब लोग खुद भी विस्तार कर सकते हैं और वापस यहाँ पर आकर प्रेस कर सकते हैं।
कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिए हैं ध्यान आकर्षण के दृष्टि से, बहुत सारी चीजें आप जैसे जैसे उस प्रोसेस में गुजरेंगे और उस मूल बात को केंद्र में रखेंगे कि अस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक ही हमको शेयर करना है। इन अदर वर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट के क्रम को बनाए रखना है। तो ये सब बातें आप खुद भी उसको निकाल सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक का प्रयास किया उसमें से जो कुछ बातें निकली उसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में यहाँ रखें। बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है, सजेस्टिव है। हम लोग अपने अपने पर जो मेहनत कर रहे हैं उस सब का एक्सपीरियंस को धीरे धीरे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, तो एक अच्छा डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। ये कुछ एडिशनल कमेंट है, इफ द स्टूडेंट इज एबल टू सी दैट द टीचर इज हैप्पी मोटिवेटेड ईगर टू शेयर इज एक्सलेंस और मेकिंग एफर्ट फॉर एक्सलेंस इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन मी then he or she, the student, develops a feeling of glory, is able to accept the teacher and becomes willing to learn, to understand from the teacher. तो ये बहुत significant बात है कि teacher का जो खुद में जीना है ना, और खुद में जो उत्साहित रहना है और वो संबंध का भाव होना और उसके साथ जो प्रस्तुत होना है, उससे विद्यार्थी में जो गौरव का, glory का भाव, उसके आधार पर ही बच्चे में, एक विद्यार्थी में ये स्वीकृति बनती है कि हम उस टीचर के साथ के माध्यम से समझने और सीखने का काम करना है। अदरवाइज द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द टीचर। तो अभी तो बहुत सारी घटनाएं इसके कारण है कि टीचर को स्टूडेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता इस कारण से, है ना, क्योंकि उसमें उसको वो श्रेष्ठता या श्रेष्ठता के लिए प्रयास दिखता नहीं। तो इसी को अगर एसेंस में देखें तो प्रैक्टिस के स्तर पर क्या चीजें दिखेंगी उसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन एज ए को एक्सप्लोरर, तो जब मैं बच्चे के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो हम अपने को एक को एक्सप्लोरर की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम जो बात हम रखना चाह रहे हैं उनके सामने उसको प्रपोजल के रूप में रखते हैं। प्रपोजल में भी ये ध्यान रखने की बात है कि कोई एक बड़ी बात हम कह रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तो वो पूरी बात को वो ठीक से जांच सकता है कि नहीं जांच सकता है, अभी उसकी जो भी योग्यता है उसके साथ, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हम देख लें कि ये पूरा प्रपोजल एक साथ उसके ध्यान में लाया जा सकता है कि नहीं, या हम उसमें बहुत सारे सब प्रपोजल्स बनाकर उसको प्लेस करें। तो ये लिखा है इलाबोरेट द प्रपोजल और अ की पॉइंट अबाउट द प्रपोजल। तो जिस सब प्रपोजल को अभी उसके ध्यान में लाया जा सकता है, वो अपने अधिकार पर जा सकता है, उस लेवल तक हमको उसको लेकर जाना चाहिए। फिर उसके बारे में हमको जो भी डिटेलिंग हम बता सकते हैं वो बताना चाहिए। फिर उसको थोड़ा समय देना चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। तो अपने में जब वो देखने का काम शुरू कर देता है तो उसको स्ट्रेंथन करने के दृष्टि से स्मॉल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और जितना एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हो सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल लेना बहुत सहयोगी भी है, और अगर एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है तो कई बार वो बाधा भी बन जाता है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी डिटेल पर अभी नहीं जाते हैं, बट ये बात कई बार आप लोग चर्चा हुई है तो ध्यान में होगा ये कि एग्जाम्पल्स लेना जो है बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि एग्जाम्पल्स ठीक भी हो सकते हैं और गड़बड़ भी हो सकते हैं, कई बार एग्जाम्पल्स बाधा भी बन सकते हैं। तो बहुत छोटे क्रिस्प एग्जाम्पल्स लें जिससे हमारा पॉइंट कन्वे हो जाता है, और ये बात उनको बता दें कि उस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल है, ना कि एग्जाम्पल को अपने राइट पर ही लेकर है ना उससे बहुत सारे कंक्लूजन निकालने लगे, क्योंकि फिर बहुत सारे अन्यथा कंक्लूजन भी उसमें से निकल आते हैं। फिर एक बार ध्यान चला गया है ना, वो अपने को रिलेट कर पा रहा है जो प्रपोजल है उससे, तो कई सारे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग रख सकते हैं जो उनको अपने में इवेल्युएट करने में सहयोग करते हैं।
इस प्रक्रिया से जो भी उसको समझ में आ रहा है वो अपनी बात को वापस रख सके, उनका कोई प्रश्न है तो पूछ सके, हम जिम्मेदारी से उसका उत्तर दे सके, ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। इन सब के साथ अगर हमको लगता है कि उसको प्रपोजल ध्यान में आ गया है और उस पर काम उसका काम शुरू हो गया है तो फिर हम वापस समअप कर दें कि क्या प्रपोजल था, किस वास्तविकता के बारे में बात हो रही थी, और इसके साथ फिर आगे के हम लोग प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो आगे के जो भी प्रपोजल्स हैं, जो की पॉइंट है, उस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं इस क्रम में। तो ऐसी कुछ बातें ध्यान में आती है हम लोग को, आप लोग सब उसको प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, बट ये सबको एक जगह पर रख लेना, डॉक्यूमेंट कर लेना इम्पोर्टेंट, उस दृष्टि से यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है। ये सब जो हम कर रहे हैं तो ये अपने में ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जिसके बारे यहाँ पर है ना लिखा है। एक तो फीलिंग हमारे ठीक है दूसरे के प्रति, इसको एंश्योर करना हर क्षण बहुत जरूरी है। ये जो लिखा है, I want to help the other to understand, यही फीलिंग हमारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि I want to impress the other और I want to complete the syllabus। ये खास करके कोर्स टीचिंग में एक कठिनाई होती है कि टीचर का बहुत समय ध्यान इस बात पर रहता है किस तरह से कोर्स को पूरा कर दिया जाए। इसी तरह से प्रपोजल जो है जब हम रख रहे हैं तो उसको क्लैरिटी के साथ रखें, और एक बड़ा मतलब परसेंटेज ऑफ टाइम हम इसी काम में लगाएं। तो तीन तरह के चीजों में हम समय लगाते हैं, एक तो है कि जो प्रपोजल है जो वास्तविकता को हम इंगित कर रहे हैं उसको प्लेस करने में प्रपोजल समय लगाते हैं। दूसरा काम हम ये करते हैं कि उसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए है ना, या उसको कनेक्ट करने के लिए समय लगाते हैं। और तीसरा काम बहुत बार हम लोग ये करते हैं कि अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, उसके साथ ठीक से है ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे लाइफ को, तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं है ना। तो समस्याओं का जिक्र करते हैं है ना, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं उन प्रॉब्लम्स की। तो ऐसा तीन तरह का समय हम लोग लगाते हैं। तो जो बात कही जा रही है वो ये है कि हम लोग को तो अपना ज्यादा समय है ना वास्तविकता पर ध्यान आकर्षण करने के दृष्टि से जो प्रपोजल है उसको प्लेस करने में लगाना चाहिए। तो ये लिखा है प्रपोजल प्लेस विद क्लैरिटी 80% टाइम है ना वो उस पर लगाए। ये 80% कोई एकदम सैक्रोसेंट नहीं है, बस एक रफ अनुमान है कि ये 80% समय तो हमको वास्तविकता के संदर्भ में प्रपोजल को रखने का और उसको प्रॉपरली एग्जाम्पलीफाई करने में लगाना बनता है। ये काम हो गया तो उसको रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस है ना देने में लगाना बनता है। फिर जो काम हो गया ये वाला, तो 20% जो समय बचता है हमको उसमें तो फिर ये जो क्वेश्चन आंसर डायलॉग इस पर लगाना ठीक है, और बहुत आवश्यक हो तो ये तीसरे वाले में समय लगाना ठीक रहेगा, बट बहुत आवश्यक हो तो इसको ध्यान में हम लोग रख लें। तो ये जो टॉकिंग आउटसाइड द कंटेक्स्ट इसको मिनिमम रखें, हार्पिंग ऑन व्हाट इज नॉट कि क्या ये नहीं है वास्तविकता, इस पर बहुत करने की जरूरत नहीं है, कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है। और समीक्षा वाला जो काम है उसको बहुत मिनिमम करें, तभी करें जब बहुत एसेंशियल हो, उसको आगे भी हम लोग बात करेंगे। ये जो हम लोग समीक्षा करते हैं या प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत डिस्कस करते हैं, ऐसा भी नहीं करें कि इसको बिल्कुल ना करें, बट जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं करें। अगर दूसरे का ध्यान वास्तविकता पर नहीं जा रहा है, अपने में चीजों को देखने का प्रपोजल को वेरीफाई करने का काम शुरू नहीं हो रहा है, उसको एक निग्रह बिंदु में लाना है, तभी उस काम को करें समीक्षा वाले काम को।
अन्यथा हम लोग सीधा सीधा समाधान पर सॉल्यूशन पर बात कर सकते हैं, वास्तविकता का जो प्रपोजल है उस पर बात कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का काम, उस पर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन देने का काम, उस पर प्रश्न उत्तर करने का काम उसको हम लोग कर सकते हैं। जी सर, इसमें मेरा एक इनपुट है कि साथ में ये भी ऑब्जर्व करते रहें कि लोग समझने के लिए उत्साहित हो रहे हैं कि नहीं और कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि इन सब जो ऑल्सो ऑब्जर्व की हमने सोचा है उन सब को हम पूरा करते रहें बट लोग सामने बैठ के ऊंघ रहे हैं, लेटस से एक उदाहरण के रूप में, तो हमें फिर ये पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो हमें इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, इससे समाधानित हो रहे हैं, इसको जरूर हम ऑब्जर्व करते रहें, उसके अनुसार आर्टिकुलेट करें इसको। ठीक बात है, ठीक बात है। इसको इस क्रम में कहाँ पे रखना है उसको देख लीजिए, मैं तो एक बेस वर्क करके दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग करना आगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्टीमेटली तो ये बात हमको देखना है कि लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उनके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, है ना, उनका ध्यान जा रहा है कि नहीं, वो उत्साहित है कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं, सुनकर अपने में जांच परख कर रहे हैं कि नहीं, जांच परख करके वापस जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, वो सारे बिंदु लिख लिए जाए और इसमें इस पूरे प्रेजेंटेशन में उसको जहां भी इनकॉर्पोरेट करना है उसको कर लिया जाए। ठीक है, तो इसके साथ जब सेशंस को देखते हैं तो कुछ चीजें यहाँ पर लिखी है हम लोगों ने। एक तो सेशन का जो टॉपिक है उसको क्लियरली रखा जाए, और फिर डायलॉग को इनिशिएट किया जाए, कनेक्टिंग टू द पार्टिसिपेंट्स एंड द टॉपिक टू रियल लाइफ। तो पहले पार्टिसिपेंट के साथ कनेक्ट हो सके, फिर टॉपिक को प्लेस कर सके, उस टॉपिक का रियल लाइफ में कैसे महत्व है इस बात को प्लेस कर सके। इतना कर लेते हैं तो फिर डिस्कस इट एज ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड की पॉइंट्स एज सब प्रपोजल। फिर एक एक की पॉइंट को देखेंगे तो की प्लेस दिस की पॉइंट एज ए प्रपोजल, एक्सपैंड इट, एक्सप्लेन इट, ये सब का मतलब आपको क्लियर है, मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करता हूँ। तो एक्सप्लेन करना, एक्सपैंड करना, टेक सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्मॉल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू एग्जाम्पलीफाई द की पॉइंट विथ enthusiasm एंड liveliness। तो ये जो बात अभी कुमार जी कह रहे थे कि हमारा खुद का उत्साह होना चाहिए, हमारे में जीवंतता होनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे यही उत्साह और जीवंतता सुनने वाले में भी आनी चाहिए। बट कहाँ उसको प्लेस करेंगे उसको देख लीजिए। सब जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी स्लाइड्स हैं और जितने भी बातें यहाँ रखी जा रही हैं वो एक बेसिक बात है, इसको हम सब लोग को मिलकर एनरिच करना है। फिर आस्क क्वेश्चंस टू पार्टिसिपेंट्स टू एक्सप्लोर द की पॉइंट्स। तो जो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं या इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस हैं वो सब हम उनसे पूछें ताकि जो स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, उसका ध्यान चला जाए अपने में चीजों को एक्सप्लोर करने का। आस्क पार्टिसिपेंट्स इफ दे आर एबल टू एक्सप्लोर द की पॉइंट्स। तो वापस चेक कर लें कि भाई उनका ध्यान गया कि नहीं, अपने में उसको जांच परख कर पा रहे हैं कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं। पॉज, गिव टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो उनको ध्यान दिलाया है एक्सप्लोर करने के लिए, जो है ना प्रमोट किया है, उसके साथ समय देना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बात को रखते जाते हैं एक के बाद एक और उनको समय नहीं देते हैं अपने पर देखने का, अपने में काम करने का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। मतलब कुछ प्रेजेंटेशन में मैंने देखा है कि लोग कंटेंट की डिलीवरी करते जाते हैं एक के बाद एक और कोई समय नहीं देते जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट है वो इसको रिफ्लेक्ट कर सके। फिर ये जब वो अपने में एक्सप्लोर कर रहा है और उसके जो प्रश्न बन रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। तो रिस्पॉन्ड टू क्लारिफिकेशंस, क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस। और ये सब जब हो गया और हमको लगता है कि उसके के ध्यान में आ गई है और उसमें ये प्रोसेस चल रहा है अपने में देखने का, एक्सप्लोर करने का, तो फिर वापस की पॉइंट पर आ जाएं, उसको सम अप कर दें
भाई ये बात हम लोगों ने किया था, ये उसका आशय था। और उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पर जा सकते हैं जो सीक्वेंस में है। क्लोज करने के पहले उस टॉपिक को, उसके संदर्भ में जो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स हैं एज होमवर्क, उसको हम दे दें। तो एक सेशन में देखेंगे तो इतनी सारी बातें होंगी, इसमें और कुछ बातें भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, बैंडेज कर सकते हैं। ये नीचे एक ऐसे रिमाइंडर की तरह है कि अभी क्या है कि बहुत बार हमारी भाषा में ये एजिटेशन वाले बिंदु या रिपीटिंग वर्ड्स आ जाते हैं, उसको अगर ध्यान देकर उसको हटा सकेंगे तो अच्छा रहेगा। बट ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत बार इतना ज्यादा हमारे इसमें इनबिल्ट हो जाता है कि इसको हटाना कठिन होता है, बट करेंगे तो अच्छा ही है। प्रपोजल्स जो हम प्लेस करते हैं उसको अगर देखेंगे तो दो चीजों के बारे में प्रपोजल हम लोग प्लेस करते हैं, एक तो क्या है इसके बारे में प्रपोजल करते हैं और दूसरा हमारा रोल क्या है। ये जो वास्तविकता है उसमें हमारा रोल क्या है, तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो ह्यूमन बींग क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, इस तरह की चीजों के बारे में प्रपोजल करते हैं। और दूसरा देखेंगे तो हमारा इस अस्तित्व में जीना कैसा होगा, इस प्रकृति में जीना कैसे होगा, दूसरे मनुष्य के साथ जीना कैसे होगा, इस तरह के प्रपोजल्स रखते हैं। ये दो कैटेगरी के साथ देखेंगे तो जब आगे हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे तो दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक को हम लोग कह रहे हैं कि एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चंस हैं और एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, उस पर आएंगे हम लोग बात। प्लेस द प्रपोजल क्लियरली, ये तो बात हो गई है। इलाबोरेट विथ वन और टू कनेक्टेड की पॉइंट्स, जेंटली अनफोल्ड फ्रॉम नोन टू अननोन, प्रमोटिंग टू सेल्फ एक्सप्लोर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम जितना अगले को पता है, जितना अगला देख पा रहा है, वहां से शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसको इस बात के लिए प्रमोट करेंगे कि वो जो नहीं देख पा रहा था उसको इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से देख सकें। ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत छोटे छोटे अगर हम प्रपोजल्स बनाएं और जहां वो व्यक्ति खड़ा है वहां से शुरू करके, जितना वो देख पा रहा है वहां से शुरू करके, एक एक स्टेप आगे का दिखाने की अगर कोशिश करें और उसके लिए उसको सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए प्रमोट करें, तो ये जो हमारा ध्यानाकर्षण का कारण है वो ज्यादा सफल हो सकता है। एक ये प्रश्न है जो बार बार आता है और इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन उसको और हम लोग चर्चा कर भी सकते हैं और उसमें जो चीजें हमको क्लियर है उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि प्लेस द प्रपोजल बिफोर आस्किंग क्वेश्चन। ये दो तरह का अप्रोच लिया जा रहा है, एक तो ये हो सकता है कि हम कुछ प्रश्न पूछें और उन प्रश्न के उत्तर के रूप में या प्रश्न के माध्यम से कुछ वास्तविकताओं को समझने की आवश्यकता को बनाएं और फिर उस वास्तविकता के संदर्भ में प्रपोजल रखें। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरी तरीका ये हो सकता है कि जो वास्तविकता का प्रपोजल है उसको हम रख दें, उसको ठीक से एक्सप्लेन कर दें और फिर लौटकर उसके संदर्भ में जो प्रश्न हमको पूछने हैं वो पूछें। तो उसका उदाहरण मैं बताता हूं। तो जैसे ये बात हम कहें कि भाई संबंध में भाव महत्वपूर्ण है, संबंध है और संबंध में भाव महत्वपूर्ण है और संबंध में भाव के आधार पर ही उभय दृष्टि हो सकती है। एक तरीका यह है रखने का। और फिर हम पूछें कि भाई क्या आज के दिन संबंध में हम दृष्टि पूर्वक जी पा रहे हैं, पर नहीं जी पा रहे हैं तो उसका क्या कारण है, क्या हमारा भाव सही है, क्या हमने भाव को समझ लिया है, वो भाव अपने में सुनिश्चित हो गया है। एक तरीका ये हो सकता है बात को शुरू करने। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये कहें कि भाई संबंध में हम तृप्तिपूर्वक जी रहे हैं कि नहीं,
यहाँ से हम बात को शुरू करें, हमको भाव समझ में आया है कि नहीं, तो इनमें से कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव होगा इसको तय करने की बात है। हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ज्यादातर समय है ना, अगर हम दूसरा वाला लाइन लेते हैं तो हम बहुत सारी समीक्षा में, बहुत सारे डिस्कशन में, दूसरे को क्वेश्चन करने में हम लग जाते, और इस प्रोसेस में बहुत बार तो हम प्रपोजल तक पहुंच भी नहीं पाते, या बहुत बार बहुत सारे रिएक्शन उसमें पैदा होने लगते। तो अच्छा तो यह है कि पहले हम वास्तविकता के बारे जो प्रपोजल है उसको रखते हैं, उसके बारे जो एक मिनिमम एक्सप्लेनेशन हमको देने हैं, ध्यान आकर्षण कराना है, उसको करा दें, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछने का काम करें। तो ज्यादा सब समय तो ये तरीका ठीक होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है या जो पार्टिसिपेंट है वो अपने को रिलेट ही नहीं कर पाते, तो उनको रिलेट करने के लिए एक बार हिलाना डुलाना जरूरी हो सकता है, तो उस केस में हम प्रश्न पूछने से शुरू कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ लिखिए, ओनली व्हेन स्टूडेंट इज अनेबल टू रिलेट टू द पॉइंट वी मे स्टार्ट विद आस्किंग क्वेश्चन। तो ये प्रश्न पूछने से, समीक्षा करने से है ना, ये सब करने की जरूरत या उपयोगिता तब हो सकती है जब दूसरा ध्यान नहीं दे रहा है या अपने को रिलेट नहीं कर पा रहा है, उसको प्रश्न पूछकर एक जगह पर लाने की जरूरत पड़ती है, एक निग्रह बिंदु पर लाने की जरूरत पड़ती है कि वो सुनने को तैयार हो जाए, ध्यान देने को तैयार हो जाए। बट वो बहुत कम ही होगा अगर ठीक से ध्यान देकर देखेंगे तो। इसीलिए नीचे लिखा है, डिस्कशन में सेलेक्टिवली कंटेन इफ एसेंशियल व्हाट इज नॉट व्हाट इट इज नॉट, इवैल्यूएशन ऑफ प्रिवेलिंग स्टेट, ये सब चीजों के बारे कि क्या ये नहीं है वास्तविकता, या उसके बारे में आज के दिन क्या प्रिवेलिंग स्टेट्स हैं जिसको समीक्षा कह रहे हैं, उसकी जरूरत कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो जब बहुत जरूरत लगे तभी उसको किया जाए, अन्यथा ज्यादा इफेक्टिव ये होगा कि हम अपने प्रपोजल को विधिवत रखें, उसके क्या क्या डिटेल देख ली हम लोगों ने उसको रखें, और उसके बाद उसके संदर्भ में कोई प्रश्न पूछना है तो कुछ चीजें जो नहीं करनी है उसके बारे इधर रेड कलर से लिखा हुआ है ऑल्सो, मिक्सिंग वंस प्रीकंडीशनिंग विद द प्रपोजल, ये हम लोग ना करें तो बहुत अच्छा है, हालांकि इतना आसान नहीं है, बार बार हमारी प्रीकंडीशनिंग है ना आने लगती है बीच में, बट हमको उसके प्रति सावधान रहना है। फिर हम बार बार ये डूज एंड डोंट्स पर आ जाते हैं कि ऐसा करें ऐसा ना करें, ये भी एक कठिनाई है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रीकंडीशनिंग हम सबकी हो गई है। कई बार हम लोग बहुत लंबे बड़े शब्द है ना, हाई साउंडिंग वर्ड्स यूज करने लगते हैं तो लोग उससे डिसकनेक्ट हो जाते हैं या कनेक्ट नहीं कर पाते। ये भी कठिनाई है कि कई बार हम बहुत ज्यादा डिटेल बताने लगते हैं और इतना ज्यादा डिटेल में हम चले जाते हैं कि वो जो पार्टिसिपेंट है वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारे साथ चल नहीं पा रहे। तो वही लिखा है कि टू डिटेल एंड फार फ्रॉम फार इन टू अननोन, तो एक के बाद एक इतनी सारी बातें हम उनको बता देते हैं कि उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाता कि भाई जो आप कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं कि स्मॉल स्टेप्स में चलना है फ्रॉम नोन टू अननोन, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी हम सफलतापूर्वक दूसरे तक बात को पहुंचा पाएंगे या उसमें इंटरेस्ट जनरेट कर पाएंगे। जनरली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक बिफोर प्लेसिंग ए प्रपोजल अबाउट इट, तो कई बार हम ऐसा करने लग जाते हैं कि पहले ही प्रश्न पूछते हैं और इतना उसमें समय लगा देते हैं कि अपने टॉपिक को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए टाइम नहीं रहता। स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन दिस टॉपिक्स, कि क्या नहीं है उस पर बहुत सारा समय लगा देते हैं, समीक्षा करने में बहुत समय लगा देते हैं, और कई बार हम लोग ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज ले आते हैं, हमको लगता है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज आएंगे तो उससे इंटरेस्ट बनेगा या दूसरा निग्रह बिंदु पर आ जाएगा, लेकिन
वो बहुत इफेक्टिव होता नहीं है, बहुत समय तो हम लॉस्ट ही हो जाते हैं या लोग उसमें ऑपोजिशन में आ जाते हैं। पिछले सेशन में जो बात हुई थी उसको, ये जो लास्ट स्लाइड था उसको मैं कॉल कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बात हुई थी कि प्रपोजल्स को कैसे प्लेस करना है ना, क्या चीजें उसमें की जानी है और क्या चीजें नहीं की जानी। जो की जानी है उसको लेफ्ट साइड पर रखे थे, जो नहीं की जानी है उसको राइट साइड पर हम लोगों ने इंगित किया था। तो प्रपोजल के बारे में ये कह रहे हैं कि दो चीजों के संदर्भ में मुख्य रूप से प्रपोजल है, एक तो क्या वास्तविकता है उसके संदर्भ में और दूसरा उसमें हमारा रोल क्या है, हमारी भागीदारी क्या है। प्रपोजल लिखने के संदर्भ में ये कहा था कि उस प्रपोजल से संबंधित जो भी मुख्य मुद्दों हैं ना, की पॉइंट्स हैं, उनको एक्सपैंड किया जाए और एक्सपैंड करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि जो चीजें उनकी ऑलरेडी जानकारी में है वहां से शुरू करके जो जानकारी में नहीं है उस पर ध्यान आकर्षण कराया जाए और उनको अपने में एक्सप्लोर करने के लिए प्रमोट किया जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि जब हम प्रपोजल रखने जा रहे हैं तो पहले सही का प्रस्ताव रख दें और फिर उसके संदर्भ में प्रश्न को पूछें। अभी कई बार हम प्रश्नों से शुरू करते हैं तो लोग जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो अभी तक की उनकी जो मान्यता है या दृष्टि है उससे ही रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उनको बहुत रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा तो यह है कि हम जो मूलभूत बात है उसको पहले रख दें और फिर प्रश्न अगर पूछने हैं तो उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे तो लोग उसको बेस में रखकर उत्तर देंगे। तो सामान्यतः तो हमको ये करना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि जो सुनने वाला है वो अभी सुनने की मानसिकता में ही नहीं है, तो उस मानसिकता में लाने के दृष्टि से प्रश्न से शुरू करना आवश्यक हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में शुरू करें प्रश्न से, लेकिन सामान्यतः हमको प्रस्ताव से जो है शुरू करें तो ज्यादा आसानी होती है। और इसी को आगे लिखा है कि आवश्यकता हो तो हम लोग इन पर बात कर सकते हैं कि ये क्या नहीं है, जो बात जो हम बात कर रहे हैं वो किस क्या है और क्या नहीं है। तो क्या नहीं है वाले भाग को बहुत आवश्यकता हो तो हम लोग प्लेस करें और अभी जो स्थितियां हैं ठीक नहीं है उसका जो इवैल्यूएशन की बात है उसको भी बहुत आवश्यकता हो तभी करें, अन्यथा हम सीधे सीधे सही के प्रस्ताव से बात को शुरू कर सकते हैं। ये बात हम लोगों ने पिछले सेशन में कही थी। क्या नहीं करें के संदर्भ में ये कई सारी बातें हैं। एक तो अपने प्री कंडीशनिंग को मिक्स ना करें प्रपोजल के साथ, जो सही का प्रस्ताव उसको सीधा सीधा रखें। डूज एंड डोंट्स पर फोकस ना करें लोग, बहुत लंबे और बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता को इंगित करने के लिए जो सीधे शब्द चाहिए, सरल शब्द चाहिए, उसको हम प्रयोग करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बहुत ज्यादा अज्ञात चीजों पर चर्चा ना करें, उससे कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, लोग कनेक्ट भी नहीं हो पाते। टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है और प्रश्न पूछने जाते हैं तो रिलेट नहीं कर पाते, तो उसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। और ये जो क्या नहीं है और क्या चीज ठीक नहीं है, इस पर हम बहुत सारा समय जो लगाते हैं उसको ना लगाएं, है ना। और खास करके जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उसको फोकस में ना लाएं, सेंटर में ना लाएं। कभी उस पर चर्चा होती है तो उस पर जो रिस्पॉन्स करना है उसको करें, बट अपनी तरफ से उन कंट्रोवर्शियल इश्यूज को सेंटर में ना लाएं। तो इतनी बात हम लोगों ने पिछले के सेशन में की थी। अभी आगे क्वेश्चंस के संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हैं कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो किस तरह के प्रश्न होते हैं और क्या हमको उसमें करना है। तो मैं बहुत ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ। एक तो एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि कोई वास्तविकता क्या है, व्हाट इज इट। तो उसको हम अपने में देखने का, समझने का, वेरीफाई करने का काम कर रहे हैं और उसका आउटकम जो है वो उस वास्तविकता को समझना है। और वास्तविकताओं का जो विस्तार है वो सेल्फ से लेकर शरीर, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व तक है। तो इन वास्तविकताओं को समझने के दृष्टि से हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको हम एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन कह रहे हैं। तो
एक क्वेश्चन का टाइप ये है कि ये वास्तविकता क्या है, इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, उसके किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को पूछ रहे होंगे, किसी डिफरेंट स्पेसिफिक डायमेंशन के बारे में पूछ रहे होंगे, तो उसको आप सीधा सीधा अपने में देखने का समझने का काम कर रहे हैं और उसका आउटकम जो है वो उस वास्तविकता को समझना है। हमको जो उसमें सहयोग करना है वो इस रूप में करना है कि हेल्प टू रीच आउट टू वंस हायर पोटेंशियल टू ऑब्जर्व थ्रू दिस हेल्प एंड अंडरस्टैंड। तो हमको जो इस प्रश्नों के माध्यम से जो काम करना है वो ये करना है कि उनको हम इस बात पर सहयोग करें कि उसमें सीधे सीधे सत्य को देखने की जो क्षमता उपलब्ध है ना, हायर पोटेंशियल उपलब्ध है ना, उसको वो पर ध्यान दे, उस पर काम करे है ना, और उसके माध्यम से चीजों को सीधा सीधा देखने का समझने का काम करे। तो एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन का जो पर्पस है और जो उसमें हमको उसको हेल्प करना है वो इस रूप में करना है। तो जैसे उदाहरण के रूप में ये बात लिखी गई कि ह्यूमन बीइंग इसको एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, इस वास्तविकता की तरफ हम उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं। सेल्फ को देखें तो इमेजिनेशन है सेल्फ में, और नेचुरल एक्सेप्टेंस, इस बात पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। फीलिंग ऑफ ट्रस्ट क्या है, तो अपने में ये क्लैरिटी होना कि हमारा और दूसरे का नेचुरल एक्सेप्टेंस एक जैसा है। तो ये जितने भी इस तरह के प्रश्न है, इन सब का उत्तर अगर ढूंढने जाएंगे तो हमको अपने में जो देखने की क्षमता उपलब्ध है उसके तरफ उसका ध्यान आकर्षण कराना है ना, उस पोटेंशियल को वो देख सके, विकसित कर सके और उसके माध्यम से फिर चीजों को सीधा सीधा देख सके, समझ सके, ये उसका आशय है। तो ये एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन की बात है। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारा क्या रोल है इसमें, क्या भागीदारी है। तो ये जो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें भी मेजर बात तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का है, और उसका आउटकम जो है वो ये है कि हम ये देख सके कि भाई हमारा इसमें रोल क्या है, और ये सब जगह देख सके, सेल्फ से लेकर पूरे एग्जिस्टेंस तक हमारा रोल क्या है इसको देख सके। इसी को लिखा है सर, दाहिनी साइड पर देखेंगे तो हेल्प टू रीच आउट टू वंस नेचुरल एक्सेप्टेंस, नॉट मेयरली द इमेजिनेशन, द लाइक्स डिसलाइक्स, एक्सपीरियंस ऑफ इवेंट्स एंड अबाउट व्हाट टू डू, नॉट अबाउट हाउ टू डू। ये जो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसको अगर देखेंगे तो व्हाट इट इज के साथ अब हम ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरा इसमें क्या रोल है, मेरी क्या भागीदारी है, और इसका उत्तर पाने के लिए अगर देखेंगे तो बेसिक का जो काम है हमारा वो ये है कि हम अपने में देख सकें कि हमारा क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस है इसके संदर्भ में, और जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है वही मेरा रोल है, वही मेरी भागीदारी है। और ये जो उत्तर मिल रहा है वो हमको क्या करना है इसके बारे में मिल रहा है, क्या भागीदारी है इसके बारे में मिल रहा है, ना कि कैसे करना है इसके बारे में मिल रहा है। और इसलिए इसका कनेक्शन सीधा सीधा नेचुरल एक्सेप्टेंस पर है, सिर्फ कल्पनाशीलता पर या आशा जो लाइक डिसलाइक है उसके लेवल पर नहीं है। उसी के एग्जांपल्स के रूप में दो तीन बातें लिखी हैं, टू लिव इन रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग, टू नर्चर द बॉडी। तो ये सब जो हमारी भागीदारियां हैं, जो हमारा रोल है, उसको सीधा सीधा हम अपने में देख सकते हैं और अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पर देख सकते हैं कि हम अपने शरीर का पोषण करना चाहते हैं कि शोषण करना चाहते हैं, संबंध में रहना चाहते हैं कि विरोध में रहना चाहते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है जो हमको अपने संदर्भ में, अपने भागीदारी के संदर्भ में पूछना है। ये एक तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है जिसको हम इवैल्यूएटिव क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारी आज के दिन क्या स्थिति है, इसका इवैल्यूएशन करने के संदर्भ में प्रश्न है। ठीक है, तो कोई वास्तविकता को मैंने समझा है कि नहीं समझा है, मैं अपनी भागीदारी को पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, एक इवैल्यूएशन की बात है। तो उस दृष्टि से प्रश्न है, और ये तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो वास्तविकता है उसको समझने के दृष्टि से जो प्रश्न है एक्सप्लोरेटिव प्रश्न है, हमारी जो भागीदारी है उसको समझने के दृष्टि से जो रिफ्लेक्टिव प्रश्न है, और आज के दिन हम कहाँ खड़े हैं उसके हिसाब से ये अपना मूल्यांकन करने के संदर्भ में जो इवैल्यूएटिव क्वेश्चन, ये तीनों तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको अपन देख सकते हैं।
इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस के संदर्भ में लिखा है कि हेल्प टू इवैल्यूएट वनसेल्फ, कनेक्ट टू देयर लाइफ एंड लेटर डेवलप अ प्रोग्राम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो आउटकम है वो ये कि आज हम कहाँ खड़े हैं इसको हम देख सकते हैं, हमारे जीने की स्थिति क्या है इससे हम अपने को कनेक्ट कर सकते हैं, और आगे चलकर हम अपने को यहाँ से आगे कहाँ ले जाना है उसके बारे सोच सकते हैं, कैसे हम अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे इसके बारे सोच सकते हैं, उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल के रूप में लिखा, एम आई लिविंग विद अ फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस विद ऑल ह्यूमन बींग्स, एम आई सिलेक्टिंग फूड फॉर नर्चरिंग माई बॉडी और मेयरली फॉर टेस्ट ऑलवेज। तो ये जो बात पहले लिखी गई थी हम लोग की भागीदारी को पहचानने के संदर्भ में, उसके संदर्भ में अब हम पूछ सकते हैं कि भाई हमारी क्या है, हम संबंध पूर्वक जी पा रहे हैं कि नहीं, और सभी के साथ ऐसा जी पा रहे हैं कि नहीं, कम से कम हमारा भाव ऐसा है कि नहीं, इसी तरह से हम सभी जो भोजन कर रहे हैं वो नर्चरिंग के लिए को केंद्र में रखकर कर रहे हैं या टेस्ट को केंद्र में रखकर कर रहे हैं। ये जो इवैल्यूएटिव क्वेश्चन है इसके दो पार्ट में हम लोग उसको देख सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है इसको देखने का काम, और दूसरों की या परिस्थिति की क्या स्थिति है उसको देखने का काम। ये दो तरह से हम लोग देख सकते हैं, अपनी स्थिति का और दूसरे व्यक्ति या दूसरी परिस्थिति का इवैल्यूएशन का। जब हम अपने को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो हेल्प टू इवैल्यूएट वन सेल्फ, कनेक्ट टू देयर लाइफ एंड लेटर डेवलप प्रोग्राम, ये तो पहले पिछले स्लाइड में हम लोगों ने ऑलरेडी रखा ही है। जब हम दूसरे का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें ये बात ध्यान रखने का है कि ये दूसरे को या परिस्थिति को इवैल्यूएट करने के में सहयोग करता है, जिसका आउटकम क्या हो सकता है वो महत्वपूर्ण है। तो एक तो हम दूसरे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अगर वो हमसे ज्यादा विकसित है तो उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, दूसरे के साथ हमारी भागीदारी क्या है इसको पहचान सकते हैं, है ना, दूसरे व्यक्ति के साथ भी और दूसरी परिस्थिति के साथ भी हमारी क्या भागीदारी है इसको पहचान सकते हैं, इस आशय से ही इवैल्यूएशन कर रहे हैं। आइडेंटिफाई हाउ वन कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री इन ए रिलेशनशिप। तो ये दूसरे का जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो दूसरे को कंडेम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना, उसको कम आंकने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ अपनी पूरकता को पहचानने के दृष्टि से कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत बार अभी आजकल जो बात होती है ना, डोंट पे जजमेंटल, तो ये जजमेंटल होना का मतलब ये है कि आप दूसरे को कंडेम ना करें, लेकिन इवैल्यूएट तो हम करेंगे ही, और इवैल्यूएट इस आशय से करेंगे अपना और दूसरे का कि हम उसके साथ पूरा कैसे होंगे इसको तय कर सकें। तो उसी को बात आगे यहाँ पर तीनों तरह के क्वेश्चन के बारे में यहाँ लिख दिया गया है, एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन, है ना, मैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प करना है, ना कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है या प्रीचिंग करनी है। तो उनको प्रस्ताव देना है जो वास्तविकता है उसके संदर्भ में, और उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प करना है, कन्विंस करने का कोशिश ना करें और प्रीचिंग का कोशिश ना करें। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन में यह है कि हमको क्या मेरा भागीदारी है इसको तय करने की बात है, कोई और हमको बता दे कि ये करो ये ना करो, या हम दूसरे को बता दें कि ये करो ये नहीं करो, इससे ज्यादा इफेक्टिव यह है कि हम उसको सहयोग करें कि भाई वो खुद तय कर ले कि भाई क्या उसकी भागीदारी है, क्या उसके लिए करना बनता है, क्या उसको करना नहीं बनता। इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन है इवैल्यूएटिव वाला, इसमें हम अपने आकलन कर रहे हैं और दूसरे का भी आकलन कर रहे हैं, उसका आशय यह नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर जजमेंटल हो जाएं, दूसरे को रिजेक्ट कर दें या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच जाए। इसका आशय यह है कि परस्परता में हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, कैसे हम उसके साथ पूरक हो सकते हैं इसको तय करना। तो इतनी बातें क्वेश्चंस के टाइप और उसके संदर्भ में हमको क्या करना है इसके बारे में। एक मिनट।
प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करने के संदर्भ में कुछ बातें ध्यान रखने की है। अभी तो आप लोगों का ज्यादातर लोगों का ध्यान तो इसमें होगा ही, बट सबको एक जगह यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है इस आशय से कि किसी बिंदु पर अगर ध्यान नहीं गया है तो उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो जब भी कोई प्रश्न पूछ रहा है तो हम उसको कनेक्ट कर सके, और कनेक्ट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसके साथ एक आइडेंटिफिकेशन तो महसूस कर सके, और वो भी हमारे साथ एक आइडेंटिफिकेशन महसूस कर सके। तो उसके नाम से अगर हम उसको पहचानते हैं या पहचान सकते हैं तो उसके नाम से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसका स्वागत कर सकें प्रश्न पूछने के संदर्भ में। अगले को ये लगना चाहिए कि हम उसके प्रश्न पूछने का स्वागत कर रहे हैं, ये औपचारिकता की बात नहीं है, हमारे में उसकी क्लैरिटी की बात है कि हम उस बात को ध्यान दे रहे हैं और उसको एंश्योर कर रहे हैं। दूसरा ये कि प्रश्न को पूरा सुन लेना जरूरी है दो कारणों से। एक तो वो अपनी बात हमको बताना चाहता है, अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है, तो उसकी अपेक्षा है कि हम उसकी पूरी बात को ठीक से सुने। तो जो भी वो प्रश्न पूछ रहा है या जो भी ऑब्जर्वेशन दे रहा है, कमेंट दे रहा है ना, उसको सुन ले। अगर बहुत लंबा हो रहा है और बहुत डाइवर्टेड हो रहा है तो आप उसको संकेत कर सकते हैं, है ना, लेकिन सुन लेना ठीक है। एक बार हमने सुन लिया है तब फिर आगे का यह काम यह है कि अगर वो प्रश्न ठीक से फॉर्मुलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अच्छा, नहीं ठीक से फॉर्मुलेटेड है तो उसको फॉर्मुलेट कर लें। और जब हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को तो हम अपनी तरफ से उसको प्लेस कर दें कि भाई आपने जो प्रश्न पूछा उसका ये आशय था, या ये प्रश्न आप पूछना चाह रहे थे, या ये कमेंट आप करना चाह रहे थे, तो वो हम रखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जब हम कोई बात कह रहे हैं तो अगला इंटरप्ट करता है अगर बीच में, तो उनको सुन लें। इसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंटरप्ट करते ही रहते हैं, तो उनको कैसे आप व्यवस्थित करेंगे उसको सोच लें, बट ज्यादातर तो लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर कोई बात वो कहना चाह रहे हैं तो उनको बीच में अगर उन्होंने इंटरप्ट किया है तो उनको सुन लेना ठीक है। हम जो उत्तर दे रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ लिखे हैं कि जो उत्तर हम दें वो शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, है ना, और अभी तक जो बातें कह दी गई हैं उसको ध्यान में रखकर करें, क्योंकि बहुत सारे नई बातों को अपनी तरफ से अगर आप रखेंगे तो अगला व्यक्ति संभावना है कि रिलेट ना कर पाए। तो इसलिए शॉर्ट क्रिस्प आंसर रखें, लेकिन जो बेस डाटा हम यूज कर रहे हैं या बेस रियलिटी हम यूज कर रहे हैं वो हो जिसके बारे ऑलरेडी बात हो चुकी है। अगर उसके बहुत अन्यथा चले जाएंगे, उन चीजों को बेस में रखकर बात करने लगेंगे जिसके बारे उसको पता ही नहीं है या जिसके बारे कोई चर्चा नहीं हुई है, तो वो कई बार कनेक्ट नहीं कर पाता है। आगे हम लोगों ने लिखा है कि जब हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड विद स्मॉलर प्रपोजल दैट दे कैन एक्सप्लोर, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट द आंसर टू अ प्रपोजल दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। ये जो बात अभी मैं कह रहा था उसके संदर्भ में देखेंगे तो जहां जो बातें हो चुकी हैं, जिस वास्तविकता के बारे जिक्र हो चुका है, जिसको देखने का काम वो ऑलरेडी कर रहा है, एक्सप्लोर करने का काम कर रहा है, उनको बेस में रखकर धीरे धीरे हम आगे के प्रपोजल्स को प्लेस करें ताकि पूरी रियलिटी जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वहां तक उसको लेकर जा सके। रिस्पॉन्ड विथ वाइड फंडामेंटल आंसर्स कवरिंग इंडिविजुअल फैमिली सोसाइटी नेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रश्न वो पूछ रहा है उसका उत्तर तो हम दें ही, है ना, उस रियलिटी के संदर्भ में जो प्रपोजल है उसको हम प्लेस करें और उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करें, तो एक काम ये है। बट एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि अगर उस रियलिटी को हम पूरे परिप्रेक्ष्य में भी प्लेस कर सकें, जो हम लोग कहते हैं टू सी द रियलिटी इन इट्स कंप्लीटनेस,
उस कंप्लीटनेस में देखने के बारे भी अगर हम ध्यान आकर्षण करेंगे तो एक बहुत उपयोगी होता है, उपकारी होता है, क्योंकि वो फिर एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देख सकता है और उस वाइडर कॉन्टेक्स्ट में फिर सारी चीजें हमको रिलेटेड दिखती हैं। तो ये एक बात है जो ध्यान में रखें और जहां भी ये पॉसिबल हो उसको कर सकें, लेकिन हर जगह करना ही है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार वो फिर लॉस्ट भी फील कर सकता है। तो ये बात कह रहे हैं कि रिस्पॉन्ड विथ वाइड फंडामेंटल आंसर। तो वाइड जो है पूरा विथ के साथ अगर हम आंसर कर सकेंगे तो उस वास्तविकता को संपूर्णता में देखने का एक काम शुरू हो जाएगा। जब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि बीच में हम समय दें, कीप पॉजिंग टू लेट देम इंटरजेक्ट, लेट देम आल्सो रिस्पॉन्ड इन द प्रोसेस। और अगर बहुत लंबी बात हम कुछ कर रहे हैं, कोई वास्तविकता बड़ी वास्तविकता के बारे में बात कर रहे हैं तो बीच बीच में चीजों को समअप कर रहे हैं ना, ताकि जितनी बात अभी तक हुई है उस पर उनकी एक पकड़ बन जाए और उसके बेस पर फिर आगे की बात को हम लोग करें। After the interaction, recall and repeat the proposal being discussed. ये बात हम लोग कह चुके हैं कि एक बार हम अपने प्रपोजल को रख लिए, पूरी बात हो गई है ना, तो फिर पूरे प्रपोजल को एक बार समअप कर दें और क्या कहा गया है उसको इंगित करते हैं और फिर आगे के प्रपोजल पर बात करें। ये बात यह है कि इन केस ऑफ कमेंट और ऑब्जर्वेशन एक्नॉलेज देम, जनरली नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, नो नीड फॉर agreeing और disagreeing और कमेंटिंग। तो कई बार लोग जो ऑब्जर्वेशन देते हैं अपना, कमेंट देते हैं है ना, तो उसको एक बार पूरा सुन लेना जरूरी है। एक तो उसको स्वीकारना जरूरी है जो कहना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को स्वीकारना जरूरी है, उसकी जो बात है उसको सुन लेना सीख से जरूरी है, और ज्यादातर समय तो उतना ही चाहते हैं है ना। हम उसके साथ सहमत हों या असहमत हों ऐसा जरूरी नहीं है, या हम उस पर कुछ कमेंट करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। कोई बात जो हमारे ध्यान में लाना चाहते हैं या पूरे पार्टिसिपेंट्स के ध्यान में लाना चाहते हैं वो उस दृष्टि से रखते हैं तो उसको पूरा सुन लिया जाए, एक्नॉलेज कर लिया जाए, इतना भी पर्याप्त होता है। जहाँ हमको लगता है कि कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो ठीक नहीं है या उसको ठीक करने की जरूरत है उसको हम कर दें, बट सामान्यतः तो बहुत लोग सिर्फ अपने बात को रखना चाहते हैं तो उसको रखने दिया जाए, उसको एक्नॉलेज कर लिया जाए। ऐसे हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है, एग्री डिसएग्री करना जरूरी नहीं है। ये बात भी पहले की है हम लोगों ने, उसको यहाँ पर फिर से रिकॉल कर लिया गया है। ऑब्जर्व योर फीलिंग, कि हमारी फीलिंग क्या है, हम दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं या दूसरे को निरुत्तर करना चाहते हैं, और क्या हमारा जो बात हम रख रहे हैं उसके बारे में हम खुद बहुत स्पष्ट हैं कि नहीं। जो चीजें हम कई बार मिस कर देते हैं वो भी एक लिस्ट यहाँ पर लिख दी गई है। जैसा मैंने कहा इसमें काफी चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन फिर से इसको यहाँ पर रख दिया गया एक साथ। तो कॉमन मिस्टेक जो है, एक तो ये कि हम दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट नहीं हो पाते, नॉट कनेक्टिंग पर्सन टू पर्सन, ये कठिनाई है। दूसरे को हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, बहुत बार हम उसको आर्ग्यूमेंट में ही चले जाते हैं है ना, उसको निग्रह बिंदु पर लाने पर चले जाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। उसको एक व्यक्ति के रूप में और एक जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी है। कई बार हम इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं ठीक ठीक तुम्हारी बात सुनाई पड़ रही है, बाकी बताओ। तो ये जो ऐसी बात जो उसमें कहीं ना कहीं ध्यान से देखेंगे तो हम उससे इरिटेट हो गए हैं, उसकी बात सुनकर जो है इरिटेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और अब हम इस तरह की बात करने लगे हैं। तो इसको ठीक से देख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इरिटेशन की जगह पर हम जाते हैं उससे तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो खराब होती है। मैं इस पर एक भी बात कहना चाहूंगा कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही टॉकेटिव होते हैं और बहुत सारा समय ले जाते हैं, तो उनसे मुझे लगता है वन टू वन बात करनी चाहिए और उनको इस बात को कहना चाहिए कि भाई हम लोग सबको अवसर देना चाहते हैं अपनी बात रखने का, लेकिन अपने फोर्स के साथ एक जिम्मेदारी का भाव होना जरूरी है। तो ये बात अगर जिम्मेदारी उनके अंदर दी जाए तो वो धीरे धीरे स्वनियंत्रित होने लगते हैं। कई बार हम सुनते नहीं है और इंटरप्ट करने लगते हैं, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। ट्राइंग टू आंसर एवरीथिंग, तो कोई भी बात पूछी गई सबका उत्तर हमको देना है ऐसा जरूरी नहीं है। जो कॉन्टेक्स्ट में बात ठीक है उसको उत्तर देना है और उसको भी जितने विस्तार से अभी उत्तर दिया जा सकता है उतना देना है। हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है ऐसा नहीं है, हम ठीक से प्लेस कर सकते हैं कि ये रिलेवेंट प्रश्न है कि नहीं और अभी उसका उत्तर कितना दिया जा सकता है, वो दो चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। रेजिंग और गेटिंग इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्शियल इश्यूज, ये जरूर ध्यान रखने की बात है कि हम कई बार कंट्रोवर्शियल इश्यूज में चले जाते हैं और बहुत सारा समय भी लगता है और बहुत सारा माहौल भी बिगड़ता है। तो हम जो मूलभूत वास्तविकताओं के बारे में बात कर रहे हैं उस पर अगर फोकस रखें, उससे जुड़े हुए जो बिंदु हैं उस पर ही ध्यान दें, और इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज आते हैं उसको हम बात के लिए रखें कि जब एक बार वास्तविकता को समझने का काम हो गया तब इसको रिजॉल्व करने पर हम लोग बात करें। जस्ट रिपीटिंग दी प्रपोजल्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू में कई बार लोग ये वर्कशॉप लेना शुरू करते हैं तो वो बार बार प्रपोजल को रिपीट करते रहते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के बदले दूसरे को इस बात में हेल्प करने के लिए कि वो एक्सप्लोर कर सके अपने में, हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, ये सब आपकी जानकारी में है। लॉन्ग आंसर डोमिनेटिंग ट्राइंग टू कन्विंस, ये भी शुरू में बहुत समय होता है तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है कि बहुत लॉन्ग आंसर देने की जरूरत नहीं है, हम बहुत क्रिस्प आंसर दे सकते हैं है ना, और उसका उनका ध्यान आकर्षण करा सकते हैं। एक्सप्लोरेशन का काम तो उसको खुद को ही करना है और हमको इसको ही फोकस में रखना है कि उसमें एक्सप्लोरेशन का काम है, हमारी बात को वो मान ले, ये फोकस ना हो। तो ये जो डोमिनेटिंग का और ट्राइंग टू कन्विंस, ये फोकस बहुत उपयोगी नहीं है। एड्रेसिंग सम अदर इश्यूज देन दी वन रेस्ट, ये भी कई बार होता ही है तो उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्रॉस क्वेश्चनिंग काउंटर क्वेश्चनिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको अपने को ध्यान में रखना है कि कई बार हम दूसरे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम उससे ही वापस प्रश्न पूछने लगते हैं है ना, पर हम उससे जो है कई बार उसको काउंटर करने लगते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इससे तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की फीलिंग है, यही कह रहे होता है। तो अपने फीलिंग को देख लें कि हमारे में कहीं विरोध तो नहीं आ गया उसके, और फिर जो हम कह रहे हैं उससे वो भाव कन्वे तो नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग की या काउंटर क्वेश्चनिंग की जरूरत नहीं है। अगर हमको लगता है कि वो प्रश्न अभी रिलेवेंट नहीं है, उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो हम उसको बता सकते हैं कि अभी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ना, या फिर हम ये बता सकते हैं कि इसका उत्तर पाने के लिए ये स्टेप से आप चलेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। गिव प्रिस्क्रिप्शंस और रेडीमेड आंसर, डूज एंड डोंट्स, ये भी बहुत ध्यान के देने की बात है कि सारे कोर्स को हम लोगों ने इस रूप में डिजाइन किया है कि हमारा आशय सूचना देने का नहीं है, रेडीमेड आंसर देने का नहीं है। हमारा बेसिक आशय तो ये है कि वास्तविकताओं की तरफ उसका ध्यान चला जाए और उसमें अपने में एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो उसको फैसिलिटेट करना है। इस दृष्टि को केंद्र में रखेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन देने का या रेडीमेड आंसर देने का काम नहीं करेंगे, डूज और डोंट्स बताने का काम नहीं करेंगे ना। हम प्रस्ताव को रखेंगे, उसका ध्यान आकर्षण करेंगे, उसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाए, इसके लिए काम करेंगे और उस प्रक्रिया में जो भी प्रश्न आते हैं उसको हम जिम्मेदारी से रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रश्नों का रिस्पॉन्ड करते समय देखें तो ये बात ध्यान में रखना उपयोगी होगा कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो किसी वास्तविकता के किसी भाग के संदर्भ में पूछा जा रहा है, किसी वास्तविकता के किसी पार्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर, किसी पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर पूछा जा रहा है ना। तो जब हम रिस्पॉन्ड करने जाते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि हम उसका ध्यान इस बात पर
ला सके, किस वास्तविकता के संदर्भ में बात हो रही, identify the reality about which the question is being asked. फिर उसने कुछ बात तो देख रखा ऑलरेडी उस रियलिटी के बारे में, so help other to identify that part of the reality which the other is already able to see. ये दो काम आप कर देंगे तो उसका ध्यान फोकस हो गया अभी रियलिटी के ऊपर, जिस रियलिटी के संदर्भ में बात हो रही थी उसको उसने पहचाना, उसके बारे में वो जानता है जिन चीजों को, उसको पहचान लिया उसने, है ना। ये दो काम अगर हम कर देंगे तो फिर हम उसको ठीक से हेल्प कर पाएंगे उस भाग को एक्सप्लोर करने में जो उसको अभी स्पष्ट नहीं है, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया है। तो हेल्प अदर टू एक्सप्लोर दैट पार्ट विच इज अनक्लियर टू हिम। तो जो पहचान रहा है पहले से, तो गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन इन स्मॉल स्टेप्स। तो इस प्रक्रिया से अगर वो अपने प्रश्न का उत्तर पाने में सफल हो जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनको सहयोग मिलता है इस पूरी प्रक्रिया से अपने को विकसित करने का, है ना। और आपका जो रिस्पॉन्स है वो उनको हेल्प कर रहा है अपने को डेवलप करने के लिए। अगर ये काम आप नहीं करते हैं और आप सिर्फ उनको रेडीमेड उत्तर दे देते हैं तो उनके विकास में बहुत सहयोग नहीं मिलता। तो ये बात रिस्पॉन्स के संदर्भ में कहा कि जो चीज उसको पता है, जिस रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं पहले वो आइडेंटिफाई करें, उसके जिस भाग का उसको पता है उसको, है ना, पहचाने और उसको उसको भी ध्यान दिलाएं, और फिर जो भाग का नहीं पता है उसको कैसे एक्सप्लोर करना है उसके बारे में बताएं। जैसे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, ये बात जब हम कह रहे हैं तो बॉडी है ये उनको पता है, बॉडी की कुछ एक्टिविटी के बारे में पता है, तो हम वहां से शुरू कर सकते हैं और फिर सेल्फ की एक्टिविटी के बारे में उनका ध्यान आकर्षण कर। तो जैसे ये बात हम कह सकते हैं कि सेल्फ की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस, जो बॉडी की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस नहीं चल पाती है, लेकिन सेल्फ की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअसली चलती है। बॉडी में सिर्फ पहचाना निर्वाह करना है, सेल्फ में जो है मानने के आधार पर पहचाना निर्वाह करना है। तो ये जो चीज उसको पता है ह्यूमन बींग के संदर्भ में, वहां से शुरू करके जिसका पता नहीं है उसकी तरफ ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस हो सकता है रिस्पॉन्ड करने का हमारे लिए। ये बात पहले भी कही है कि रिस्पॉन्स जब हम कर रहे हैं तो जो विथ है उसको अगर हम दिखा सके टू हेल्प सी द रियलिटी इन इट्स कंप्लीटनेस तो अच्छा रहेगा, है ना। तो उस दृष्टि से सेल्फ, है ना, बॉडी और फैमिली के बारे, सोसाइटी के बारे, नेचर एग्जिस्टेंस के बारे, इन सब चीजों को फोकस में रखकर अगर हम उस रियलिटी विशेष के बारे में रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये जो सारा रिश्ता है सेल्फ के संदर्भ में, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के संदर्भ में, रिलेशनशिप और सिस्टम्स इन द सोसाइटी के संदर्भ में, ये सब को फोकस में रखकर हम उस रियलिटी के संदर्भ में बात करेंगे और फिर उसको हम मोटिवेट कर पाएंगे कि भाई इस संदर्भ में आपको एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है, और अंततः जब तक उसको मेनस्ट्रीम एजुकेशन में प्लेस करना है। ये एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर हम उस रियलिटी के बारे में बात कर पाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से संपूर्णता में कनेक्ट भी कर पाएगा और अपनी भागीदारी को भी तय कर पाएगा। बट इसको हमेशा करना है ये जरूरी नहीं है, मतलब ये इस पर डिपेंड करेगा कि अभी जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है दूसरे के साथ उसमें कितनी कंफर्टेबिलिटी बन गई है, ना, कितनी स्वीकृति बन गई है। तो जितना जितना कंफर्टेबिलिटी और स्वीकृति बनता जाएगा उतना उतना हम वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखने का और उसमें उसकी क्या भागीदारी हो सकती है इसको ध्यान आकर्षण करने का काम कर सकते हैं। ये बात अभी मैंने इंगित की कि जो शरीर मतलब ह्यूमन बींग के बारे अगर हमको बताना है और बॉडी के बारे उसको ऑलरेडी पता है तो सेल्फ के बारे उसको इंट्रोड्यूस करना हो तो क्या क्या कर सकते हैं।
ये एग्जांपल को मैं डिटेल नहीं करता हूँ, आप लोग इस काम को करते ही हैं कि सेल्स की एक्टिविटी और बॉडी, बॉडी की एक्टिविटी से शुरू करते हैं, सेल्स की एक्टिविटी के साथ उसको कंट्रास्ट करते हैं और उससे धीरे धीरे आप ये बात ध्यान दिला पाते हैं कि बॉडी भी है और सेल्स भी है, ये अलग अलग रियलिटी है क्योंकि दोनों की एक्टिविटीज अलग अलग है। इतना कंक्लूजन तो निकाला ही जा सकता है कि आई एम नॉट जस्ट दी बॉडी और उसको आगे एक्सप्लोर में करूंगा, ऐसा उनका मन बन जाए। प्रपोजल रखने के साथ साथ ये तरीके हो सकते हैं अपनी बात को रखने के, है ना। तो एक तो ये जो बात अभी तक कही हम लोगों ने कि प्रपोजल रख सकते हैं थ्रू डायलॉग, आस्किंग क्वेश्चन, रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन, ये तीन तरह की बातों पर किया है हम लोगों ने बात अभी तक। और तरीके हो सकते हैं अपनी बात को रखने के, प्रस्ताव पर ध्यान आकर्षण करने का, दूसरे को एक्सप्लोर करने में हेल्प करने का, वो लिस्ट यहाँ पर किया हम लोगों ने, असाइनमेंट, एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस सेशन। तो ये प्रॉपरली अपने को सोचने और डिजाइन करने की जरूरत है ताकि उनको उनके एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर सकें। वीडियो ऑफ लेक्चर्स और अदर वीडियोस, रीडिंग मटेरियल्स कुड बी मल्टीमीडिया और प्रिंट मटेरियल, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, तो इन सब के माध्यम से भी उनको हम अस्तित्व सहज वास्तविकताओं को एक्सप्लोर करने और समझने में सहयोग कर सकते हैं। और नीचे ये बात लिखी है कि दिस में बिकम नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट व्हेन द फैकल्टी इज नॉट प्रेजेंट एज इज द केस ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग मोड। ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी फॉलोड अप विद द डायलॉग एंड क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये जो मोड्स हैं, अदर मोड्स की जो बात हम लोगों ने की है, ये ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं जब हम फेस टू फेस स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं या सेल्फ लर्निंग मोड में कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को खुद वो जब करके देखेंगे तो उनका ध्यान ज़्यादा विस्तार से चीज़ों पर जाएगा और जो पॉसिबल प्रश्न है उनका उत्तर उनको मिल पाएगा। और इस तरह का जब मोड हम यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि हम उसके फॉलोअप में उस डायलॉग के प्रोविजन रख सकें, क्वेश्चन आंसर के, है ना, इंटरेक्शन के प्रोविजन रख सकें। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे, असाइनमेंट्स के बारे। एक फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट्स हम लोग देते हैं, टेक योर लिस्ट ऑफ एस्पिरेशन कंसर्न फ्रॉम सेशन वन ऑफ होम असाइनमेंट, फाइंड आउट व्हाट इज नीडेड टू फुलफिल योर एस्पिरेशन प्लस एड्रेस योर कंसर्न, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी। ये असाइनमेंट तो आप लोगों को ध्यान में ही होगा ये तीनों की क्लैरिटी हुई कि नहीं, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी की, और इससे हमारी आवश्यकताएं कैसे जुड़ी हुई हैं उसको लेकर जो हम लोग एक्सरसाइज देते हैं ना, उससे बहुत सारा उनको हेल्प मिल जाता है इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए कि हमारी जो जरूरतें हैं, जो हम चाहना के आवश्यकता के रूप में पहचाने हैं, उसको इन तीन कैटेगरी में ही डाला जा सकता है, राइट अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में या रिलेशनशिप की कैटेगरी में या फिजिकल फैसिलिटी की कैटेगरी में, या इसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक से अधिक कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे पीस ऑफ माइंड को देखेंगे तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट फीलिंग के इसमें आता है, फिजिकल फैसिलिटी का मुद्दा नहीं। लेकिन आप गुड हेल्थ के बारे देखेंगे तो इसमें सबका मुद्दा है, सुविधा का भी मुद्दा है, शरीर के पोषण संरक्षण के लिए जो सुविधा जुड़ी हुई है आवश्यक है से भी जुड़ा हुआ है मामला, और हमारे समझ और हमारे भाव की जो स्थिति है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के असाइनमेंट देकर हम इन चीजों को ध्यान दिला सकते हैं, हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। Thank you.
इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण है, एनालाइज योर लिस्ट ऑफ एस्पिरेशंस फॉर कंसर्न्स, फाइंड आउट व्हाट इज नीडेड टू फुलफिल देम, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप फिजिकल फैसिलिटी। तो इस तरह के एग्जांपल से हम चीजों को अच्छे से ध्यान आकर्षण करा सकते हैं, उसके अंदर जो कंफ्यूजन है उसको ब्रिंग आउट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने में उनका सहयोग कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के रूप में देखेंगे तो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्सप्रेशन और फॉर एड्रेसिंग एनी कंसर्न, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड, फिजिकल फैसिलिटी मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हमारे कंसर्न हैं उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ फिजिकल फैसिलिटी भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। इन जनरल आवर एफर्ट इज मोस्टली फॉर फिजिकल फैसिलिटी, मे बी बिकॉज वी हैव एश्योर्ड एज्यूम दैट इट इज द मेन थिंग, मनी इज द मेन थिंग एंड इट्स रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग लाइफ। तो ये एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इन सब के माध्यम से हम मूलभूत वास्तविकताओं पर ध्यान दिला सकते हैं। और यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे एक्सरसाइज का अल्टीमेट पर्पस तो ये है कि हमारी चीजें समझ में आ जाए, वास्तविकता हमको समझ में आ जाए और उसके साथ जीना कैसा है हमको वो तय हो सके। तो क्योंकि मुख्य बातें अभी हम लोगों ने की हैं उसको अगर सम अप कर दें तो कनेक्टिंग टू द स्टूडेंट्स विद फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप लाइक अफेक्शन, गाइडेंस, फैसिलिटेटिंग देयर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज ए को एक्सप्लोरर, क्लैरिफाइंग द प्रपोजल, स्टिकिंग टू द पॉइंट्स, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, टू क्वेरीज एंड क्वेश्चन, गिविंग प्रॉपर एक्सरसाइज एक्टिविटीज, हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड कनेक्ट टू देयर ओन लाइफ, ये बातें की हैं। Self exploration or self verification of proposal leads to understanding the reality in myself. The self evaluation or evaluating my state of being helps me to work out the program for my self development. दूसरे का जब हम evaluation कर रहे हैं, appraisal of other and the situation जो है उसका जो outcome है वो ये है कि मैं दूसरे से inspiration ले सकूँ, है ना, with the guidance of, with the feeling of gratitude, glory and reverence, and to decide my role in the situation with the feeling of trust, affection and guidance. तो हम दूसरे को कैसे सहयोग कर सकते हैं, है ना, कैसे अपनी पूरकता को तय कर सकते हैं, इस अर्थ में ये सारा evaluation दूसरे का करने की बात है। उसका आशय condemnation नहीं है, है ना, जब हम दूसरे का evaluation कर रहे हैं तो उससे निष्कर्ष के रूप में condemnation अगर निकल रहा है तो कठिनाई है। अगर हम इस जगह पर पहुंच रहे हैं कि मैं तो ठीक हूं, दूसरा ठीक नहीं है, तो भी ये आउटकम ठीक नहीं है अपना। और अगर हमको लगता है कि दूसरा गलत है इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो भी गड़बड़ है। कहीं ना कहीं इसके बेस में देखेंगे तो आपका दूसरे के साथ विरोध का भाव है। अगर संबंध का भाव होगा तो आप अपना भी ठीक से मूल्यांकन कर पाएंगे, दूसरे का भी कर पाएंगे, अपने को कैसे आगे गति करना है ये सोच पाएंगे, दूसरे की गति में कैसे मैं सहयोगी हो सकता हूँ इसको तय कर पाएंगे। तो इतना इस सारी बात का अभी तक का निष्कर्ष। तो शेयरिंग के संदर्भ में इन बातों को अभी हम लोगों ने देखा। इस पर कोई प्रश्न है तो हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ और बिंदु हैं, अगर सबके पास समय होगा तो मैं उन बिंदुओं को भी रख देता हूँ, अदरवाइज कल रख सकते हैं जैसा आप लोग कहें, कल या परसों। बट प्रपोजल्स को शेयर करने के संदर्भ में और रिस्पॉन्ड करने के संदर्भ में क्वेश्चंस को कितनी बातें हमको अपनी तरफ से कहनी थी, तो या तो इन प्रश्नों के, इन बातों के संदर्भ में जो चर्चा है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं अभी, या कुछ स्लाइड्स हैं अभी और ऑनलाइन एफटीपीज के संदर्भ में उसको भी मैं प्लेस कर सकता हूँ आप कहें तो। कुछ 6-7 स्लाइड्स हैं अभी अपने पास, जैसा आप लोग बताएंगे वैसा करते हैं। जी सर, मुझे लगता है कि
अभी तक का जो शेयरिंग रहा उसको थोड़ा सा इंटरनलाइज कर लेते हैं, और उसके साथ में फिर ये जो रिव्यू का काम भी करना है मटेरियल का, उसको जोड़कर देखते हैं। और क्योंकि एक एक बात को स्पष्टता से अपने में समझना भी एक वो सबसे जरूरी पार्ट है, और जो बचा हुआ है पार्ट उसको चाहे तो हम मंडे कंटिन्यू करें, मुझे तो ये लग रहा है, लेकिन बाकी लोग भी बता सकते हैं। क्योंकि ना थोड़ा सा फिर हड़बड़ी हो जाती है, 6-7 स्लाइड्स भी है तो, लेकिन 6-7 स्लाइड्स को ना हम हमारे एंड पर अगर ठीक से उसको समझने का प्रयास किए तो 20-25 मिनट तो लग ही जाता है उसको। तो अगर समय है सबके पास में तो कर सकते हैं, अभी मेरे पास तो समय है, वो इशू नहीं है, लेकिन उसको अपने में ग्रहण करने की हिसाब से अगर जब सोच रहा हूँ तो ये ऐसी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसका जो प्रश्न है उसको ले लें, अभी प्रश्न है तो जितनी बात अभी रखें, और बाकी को फिर मंडे को रख लेंगे। जी, मतलब एक चीज ये हो सकती है गणेश, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन तो काफी ब्रीफ था, और मतलब जब हम लोग किसी के साथ शेयर करने जाएंगे तो अपने को प्रॉपरली उदाहरण देना होगा उसके लिए हर एक चीज का। तो जब इसको करने जाएंगे ना तब तो उदाहरण के साथ ही कर पाएंगे, अदरवाइज तो भी बहुत वो नहीं होगा। तो इसलिए हमको लगता है कि जो आगे की स्लाइड्स है अगर उसमें ये है कि वर्कशॉप के कॉन्टेक्स्ट में इनके कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, अगर वो है तो फिर अब जब रिव्यू करेंगे इसका भी तो वो माइंड में रहेगा। जी, वो तो ठीक बात है, नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, उसको आज ही करना है या मंडे को कर ले, लगता है क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ डालते हैं ना तो फिर लोग उसको वो भी है। हाँ, तो इतने पर अगर और कुछ बात कर ले, और देखिये ये तो मैं जो कल भी बात कह रहा था, परसों कह रहा था कि अब जैसे कल जो दो प्रेजेंटेशन हुए है ना, उमेश जी ने किए और राजकुमार जी ने किए, तो जो उसके पहले प्रेजेंटेशन हुए थे उसको उन्होंने डिटेल आउट किया ठीक से ना, तो वो काम तो अभी करना ही पड़ेगा, उस काम को अभी आगे करना पड़ेगा, तो आप लोग उसको कर पाएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। उस आशय से ही एक ब्रीफ जो एसेंशियल बातें हैं उतने को मैं रख रहा हूँ, उसको जब आप देखेंगे तो आप उसको अपडेट करेंगे ही, तो वो काम तो एक बार करना पड़ेगा कि करके फिर आप उसको जो है प्लेस करेंगे ज्यादा विस्तार से, विथ एग्जांपल्स, विथ केस स्टडीज। जी सर, उसको मैं आगे भी एक्सटेंड कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो तो एक बहुत बेसिक था, लगभग 1% बात थी, 99% उसमें जो सबके इनपुट्स आए हैं और वो धीरे धीरे एनरिच होते रहेगा, तो वो तो कर ही रहा हूँ कि लगभग हर वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड आउटकम के साथ में कितना कंटेंट होना चाहिए हर एक वर्कशॉप में, तो और असाइनमेंट्स के कुछ एक एक दो तो एग्जाम्पल्स, या तो फिर प्रैक्टिस सेशन के एक एक दो एग्जाम्पल्स वो चल रहे हैं। हम लोगों ने प्लान किया था कि मंडे से हम इस मटेरियल को रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि हम ना सारी चीज़ों को पहले सुन भी ले, उसको हम समझ भी ले, और उसके साथ में कुछ प्रोग्राम तय कर ले, और फिर वो जो रिव्यू करने का काम है बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो मुझे पहले तो ऐसे लग रहा था कि पूरा एक महीना उसमें जाएगा, लेकिन अगर ये क्लैरिटी है बेस में तो इस क्लैरिटी के साथ में फिर वो रिव्यू का काम जो है वो आसान भी जाएगा और ठीक से भी हो पाएगा, और मुझे लगता है कि कम समय में हो पाएगा। तो हम ये क्लैरिटी के बिंदु को हम डिस्कस करते रहे, और आवश्यकता है तो
दो चार दिन और करें डिस्कस, और उसके बाद में फिर रिव्यू का प्लानिंग कर सकते हैं। मुझे तो ऐसी लग रहा है कि डायरेक्ट मंडे से हम रिव्यू मीटिंग को शुरू करें, उसकी प्लानिंग करें उसका, तो उससे पहले ये जो अभी चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग दो चार दिन। और जो बातें अभी ध्यान में आई उतना भी लिखा गया है, और सब आपके ध्यान में भी बहुत सारी बातें हैं पिछले 10 साल 15 साल से सब लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो वो सबको भी अब इसमें ऐड करके उसको एनरिच करके उसके हिसाब से और ज्यादा, जो राजू भैया कह रहे हैं कि प्रॉपर एग्जाम्पल ज्यादा एनरिच डॉक्यूमेंट हम लोग बना लें, और फिर उसको बेस में रखकर फिर आगे का जो भी हम लोग मतलब प्लानिंग का काम है, प्रिपरेशन का काम है, उसको करें। ठीक है, फिर बताइए। तो प्रेजेंटेशन का तो मैं यहाँ पूरा कर देता हूँ, आप लोग के कोई प्रश्न है चर्चा है तो बताइए, उसको कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग जो ब्रॉड बेस की बात कर रहे थे ना, कि जब भी हम शेयर करने जा रहे हैं तो क्या शेयर करना है ना, उसका एसेंस हम लोगों ने चर्चा किया, और फिर कैसे शेयर करना है उस पर एसेंस की बात की हम लोगों ने, उस पर फिर कुछ डिटेलिंग्स जो है फीडबैक उमेश जी की तरफ से आया था और कुमार भैया की तरफ से आया था, तो वो भी इसमें अभी इस प्रेजेंटेशन में शामिल कर लिया गया है। तो अब उसके स्पेसिफिक डिटेलिंग के संदर्भ में देखेंगे तो ये बातें अब हम लोग कर रहे हैं, उसको मैं ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ, इस पर जो भी और डिस्कशन करना होगा हम लोग समय लेकर कर सकते हैं, है ना। बट एक ब्रीफ जो है वो प्रेजेंटेशन में इंगित भर कर देता हूँ इसमें। तो ये जो ऑनलाइन एफटीपीएस की बात हो रही है उसमें जो चीजें ध्यान में आई हैं, बाकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात हम लोगों ने की, बेसिक है ना कंटेंट के, व्हाट टू शेयर एंड हाउ टू शेयर, उसको ध्यान में रखकर ऑनलाइन के संदर्भ में देखेंगे तो ये कुछ बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, और जब भी अपन काम कर रहे हैं इस पर ऑनलाइन एफडीपी पर तो इन सब चीजों को इस तरह से इंश्योर करना है, और आवश्यकता अनुसार जो डेवलप करना है उस काम को हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो ये जो बात हम लोगों ने USB 1 से USB 8 के संदर्भ में बात किया था, उस समय ये भी चर्चा आई थी कि एक कोर्स से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है उसको अपने को क्लारिफाई करना है, और दूसरा ये जो हम FDP चला रहे हैं इस कोर्स को पढ़ाने के लिए, टीचर्स को तैयार करने के लिए, तो हर FDP का क्या ऑब्जेक्टिव है ना, और क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है उसको वर्कआउट किया जाए, जिसके बारे में उमेश जी ने कहा था। तो उसके संदर्भ में ये बात अगर देखेंगे तो उसके संदर्भ में और फर्दर डिटेलिंग की बात है। तो एक तो हमारा पर्पस ये है जब हम FDP चला रहे हैं तो वो है डेवलपमेंट ऑफ टीम, पार्टिकुलरली रिसोर्स पर्सन, तो ये एक पर्पस है हमारे FDP चलाने का। तो उसके संदर्भ में हमको RP तैयार करने की जो बात है, रिसोर्स पर्सन जो तैयार करने की बात है, उसमें क्या क्या बिंदु है जिसको हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कि RP हमारे विधिवत तैयार हो सके। उसमें दोनों आइडिया है, एक तो ये कि उनका ध्यान जाए कि इन किन इन इन बिंदुओं पर उनको ध्यान देना है ना, कंटेंट का जो मतलब अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है ना, उसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसका पार्ट है, प्रेजेंट करते समय जो अपना भाव है उसका पार्ट है, ये सारे इश्यूज है ना।
कितना हम कंटेंट पर बात कर रहे हैं, कितना हम जो है क्रिटिकल अप्रेजल पर कर रहे हैं, वो सारी बातें जो हम लोगों ने की हैं, वो सब पॉइंट्स को हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के रूप में अगर रख सकें तो उसका एक एडवांटेज ये होगा कि जो रिसोर्स पर्सन की तरह अपने को डेवलप करना चाह रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि उनको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और दूसरा हम लोग को भी पता लगेगा कि हम लोग किस बिंदुओं पर उनको इवैल्यूएशन करने वाले हैं। और ये दोनों का ही एंड रिजल्ट तो यह है कि रिसोर्स पर्सन प्रॉपरली डेवलप हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग के माइंड में होंगी ऑलरेडी, बट उसको अगर प्रॉपरली उसका डॉक्यूमेंट बना लें और उसको सारे पीआरपी के सामने उसको रख दें और जो लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग उनका उनके सामने भी वो क्लियर हो, तो ये सहयोगी होगा। तो उसमें मुझे लगता है कि इस तरह से चलना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक ग्रुप उसकी जिम्मेदारी ले पहले उसको तैयार करने की, फिर बाकी लोग उसको देख लें और फॉर्म अप कर दें। तो एक तो ये बात है, दूसरा ये एक है कि हम जब वर्कशॉप कर रहे हैं उस दौरान, और ये सब बातें हो रही हैं ऑलरेडी, सबके ध्यान में है, काम इस पर चल रहा है, बट उसको अब एक सिस्टम में लाने की बात है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात डेवलप हुई धीरे धीरे कि जब हम एफडीवी चला रहे हैं उस समय हम ये जो प्रॉमिसिंग लोग हैं जिनको आगे जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती है, जो अपने को जिम्मेदार बना सकते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम हो, यह भी इस एफडीपी का एक आउटकम, महत्वपूर्ण आउटकम है। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस बनाने की बात है कि कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉमिसिंग पार्टिसिपेंट हैं, प्रॉमिसिंग लोग हैं जो आगे चलकर न किसी रूप में इस पूरे ईएचबी के काम में भागीदारी कर सकते हैं या समाज में जाकर भागीदारी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पीपीआई गाइडलाइंस है उसको रिफाइन करने की जरूरत है। तो इन सब में मेरा तो यही सोचना होगा कि हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट ले लें कि इस काम को एक ग्रुप करेगा, तो वो ग्रुप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट बनाकर सर्कुलेट कर दे, बाकी लोग उसमें जो भी उसमें इनपुट देना है दे दें, तो उसको फिर फाइनल कर लें। ये जो ट्रांसक्रिप्ट बनाने का काम है कि जो लोगों ने अटेंड किया है उसके बारे जो भी डिटेल्स है, तो उसको उसके बारे भी जो चीज हम लोग को वर्कआउट करनी डिटेल कर लें, ताकि उसका एक मेजर आउटकम तो यह है कि हम सर्टिफिकेट के लिए उनको रिकमेंड करते हैं उसके बेसिस पर, बट उससे और बहुत सारे चीजें निकाली जा सकती हैं। ट्रांसक्रिप्ट को देखेंगे तो बहुत सारे फाइन पॉइंट्स हैं उसमें कि कितने लोगों ने है ना पूरे समय ज्वाइन किया ये, और ये संख्या 10% होती, कितने लोग समय से ज्वाइन कर पाते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह के बहुत सारे ये कितने क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, ये सब इश्यूज थे हमको, ये जो पीपीआई वाला जो काम है वहां पर भी हेल्प मिलेगा और पीआरपी आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प मिलेगा। तो उसके हिसाब से ट्रांसक्रिप्ट में अगर कुछ और चीजें ऐड करनी है तो उसको भी वर्कआउट कर लेना चाहिए। ये जो पार्टिसिपेंट्स के क्या सजेशंस आ रहे हैं उसको भी प्रॉपरली अगर हम ट्रेस कर सकें तो हमारे लिए आगे उपयोगी हो सकता है अपनी चीजों को और इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें जो बात लिखी गई कि कम से कम 5 सजेशंस जो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आए हैं हर वर्कशॉप में, वो अगर हम 5 सजेशंस आइडेंटिफाई कर लें या कोई ऐसे क्रिटिकल इश्यूज रेज किए गए हैं उसको आइडेंटिफाई कर लें और उसको अगर हम कंपाइल करें तो हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में वो उपयोगी रहेगा। इसी तरह से इस पर तो काम कुछ शुरू हुआ ही है ऑलरेडी, उमेश जी ने किया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफ वॉलंटियर्स। तो हर बार 3 से 5 रिकॉर्डिंग्स हम लोग अगर उसका निकाल सकें और उसको रख सकें और कैसे उसका उपयोग करना है उसको तय कर सकें, क्योंकि ये उपयोग करना भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हम अल्टीमेटली इनको
फिल्टर करके किस फॉर्म में प्रयोग करने वाले हैं उसको तय कर सके। इसी तरह से हर एमटीपी में अगर हम क्वेश्चन एंड आंसर वाले संदर्भ में एफएक्यूज का लिस्ट और एनरिच कर सकें, तो हर एफडीपी से अगर हम 5 मुख्य क्वेश्चन ले निकाल लें और उसको अपने क्वेश्चन बैंक में रख लें, अगर ऑलरेडी वो है तब तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हम ऐड कर सकें। बट ये आइडेंटिफाई करना हर एफडीपी में अगर हो सके तो हमारा एफएक्यू का जो बैंक है वो एनरिच होता रहेगा। ये बात कही जा रही है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए और उसका जो रिस्पांस दिया गया, तो रिस्पांस को भी अगर हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कर सकें तो हमारे आगे जो हम लोग ये हाउ टू टीच वाली बात करना चाह रहे हैं उसमें वो यूजफुल हो सकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी का काम है क्योंकि आपको पूरे प्रश्नों को सुनना है, उसके उत्तर को सुनना है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं 1-3 रिकॉर्डिंग्स उसको ना कट करके रखने की बात है और उसका मतलब लेटर मुझे लगता है कि ट्रांसक्रिप्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह से जो लोग भी वर्कशॉप ले रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं उनका जो सबसे अच्छी डिलीवरी रही है उसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें ना और उसको प्रॉपरली मतलब सॉर्टिंग करके रख सके, तो जो लोग अपने को पीआरपी की तरह तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है, या जो लोग रिसोर्स पसंद है उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है कि कैसे उस टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक को इफेक्टिवली प्रेजेंट किया जा सकता है। तो एफटीपी के दौरान जो इसको जिम्मेदारी लेंगे सुनने का और उसमें से आइडेंटिफाई करने का, वो अगर ये काम कर सकेंगे जो सबसे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रहा है 1-3 रिकॉर्डिंग्स के कर लें जो, और उसको अगर उपलब्ध रखें प्रॉपर एक जगह बना लें जहाँ पर हम एक तरह के जो अच्छे प्रेजेंटेशन हुए हैं उसको हम प्लेस कर दें, तो जो भी लोग अपने को आरपी की तरह तैयार कर चुके हैं या तैयार करना चाहते हैं उनके लिए ये उपयोगी होगा। तो ये सब बहुत सारा काम है जो अपने को धीरे धीरे एडअप करना है, और मैं तो इसमें यही कहूंगा कि हम लोग को एक प्रोजेक्ट की तरह इसको टेकअप करना चाहिए और एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए जो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा। ये लोग तो अलग अलग होंगे इस काम को इफेक्टिवली करने जाएंगे तो, बट एक ग्रुप हो जो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करे, वो आइडेंटिफिकेशन मुझे लगता है जरूरी है। अब ये जो प्रेजेंटेशंस को रिव्यू करने की बात हो रही है एफटीपी में, उसके संदर्भ में कुछ बातें हैं लेकिन इसमें आप सब लोग अपनी बात को और ऐड कर सकते हैं तो ये एनरिच हो जाएगा, बट कुछ बातें अभी यहाँ पर हैं। एक तो ये कि की पॉइंट्स क्या है शेयर करने के, उसको प्रॉपरली हाईलाइट किया जाए जो अभी हम लोग करते ही हैं, बट उसको इंश्योर कर लें कि कोई हाई मतलब की पॉइंट्स छूट तो नहीं गए हैं, और उनको प्रॉपरली हम हाईलाइट करें कि जो बाकी बात कही जा रही है वो उसके एक्सपेंशन में कही जा रही है। की पॉइंट्स तो थोड़े से होंगे लेकिन जो हम स्लाइड्स में रखते हैं वो तो बहुत सारे और डिटेल्स रखते हैं, तो वो क्लियर होना चाहिए कि इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है। अगर हम एनिमेट कर सकें जब हम की पॉइंट्स को रख रहे हैं तो किस ऑर्डर में वो आने वाले हैं, किस सीक्वेंस में आने वाले हैं और कैसे प्रश्न उसमें आने वाले हैं, उसको अगर हम प्रॉपरली एनिमेट कर देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एनिमेट का क्या मतलब बना सर? एनिमेट का मतलब जैसे अभी हम लोग वो जो वो है ना प्रेजेंटेशन समझ संबंध सुविधा वाला जी, तो उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत
सिस्टमेटिकली चीजें अनफोल्ड होती हैं एक एक करके, है ना जी, की सुविधा की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ सुविधा से काम चल जाता है या संबंध की भी आवश्यकता है, तो ऐसा एक एक करके हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर संबंध तो हम पूर्वक तो हम जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते, तो फिर समझ की भी आवश्यकता है, वो ऐसा एक एक अनफोल्ड होता है, पूरा एनिमेटेड है वो, अगर दिखेंगे तो ऐसे हम तीनों बातों एक साथ रख सकते हैं। जैसे जब अपने पास 15 मिनट का समय होता है या 5 मिनट का समय होता है तो हम पूरी बात को एक साथ रख देते हैं कि ये तीनों है, समझ समझ सुविधा, तीनों जरूरी है कि नहीं है, लेकिन उसी को हम लोग 1.5 घंटे में एक एक करके अनफोल्ड करते हैं। तो बहुत सारा तो लोग खुद ही उसको आर्टिकुलेट कर पाते हैं कि क्या बात कही जा रही है। तो ये बात कह रहे हैं आप, ठीक है ये? जी बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। ये सब कुछ वो डिटेल्स है कि जब हम लोग स्लाइड्स को कॉपी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उसका सोर्स फॉर्मेटिंग को बनाए रखने की बात है। ये सब फाइनल डिटेल्स हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना है। ये जो अभी स्टॉप एंड थिंक को एक अपडेट कर रहे हैं, पिछली बार आगे मैंने बताया था एक्सप्लोर एंड वेरीफाई, वो प्रॉपरली प्लेस कर दिया जाए। सर एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जितने भी हमारे वर्कशॉप्स है उस वर्कशॉप्स का कंटेंट और उस वर्कशॉप्स में आने वाले पार्टिसिपेंट्स का उस लेवल का एक ओवरऑल इमेजिनेशन और उस वर्कशॉप से जो हम एक्सपेक्टेड आउटकम चाह रहे हैं, कि तीनों बातों के साथ हर एक वर्कशॉप्स के लिए जो बातें अलग अलग हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉज एंड थिंक की जो बात की ना, तो मुझे लगता है कि जो इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में व्यक्ति आ रहा है तो उसको तो हम पॉज ही करें और उसका ध्यान जाता है उसके ऊपर कि बहुत भगदड़ चल रही है, थोड़ा सा पॉज करके मैं सोच भी ले लूं, और वो जो पॉज एंड थिंक वो जो टैग लिखा है उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसके थ्रू उनका ध्यान भी जा रहा है कि नहीं थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है, थोड़ी सी सोचने की आवश्यकता है। उसके बाद में जब नेक्स्ट लेवल के वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां पर ये एक्सप्लोर वेरीफाई की बात होती है, तो हम वर्कशॉप्स के अनुसार अगर ये सारी चीजों को तय कर पाए ना तो ज्यादा इफेक्टिव होगी। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट वर्कशॉप पे जाते हैं ना, वो एक्सप्लोर और वेरिफिकेशन की तो बात होती है, लेकिन अपने में जब संस्कार का विकास, अपने में जब एक्सप्लोरेशन ये जब चलता है तो वहां ध्यान जाता है कि एक्सप्लोरेशन से पहले अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। तो आगे हम अवेयर एक्सप्लोर वेरीफाई या अवेयर इवेल्युएट इस तरीके से कुछ बातें कर सकते हैं। तो वर्कशॉप का कंटेंट उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी ना शेयर कर सकता हूँ, जैसे इंट्रोडक्टरी में हम लोग बेसिक एस्पिरेशंस, वो जो रोल ऑफ एजुकेशन का कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन है हमारे पास, रिफ्रेशर वन में भी हम करना पाना होना के साथ जोड़कर वो बेसिक एस्पिरेशन के कंटेंट को ऐसे रखा है। जब हम रिफ्रेशर वन पार्ट टू में जाएंगे ना तो वहां पर हम पूरा वो जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन के जगह पर केवल 2 या 3 स्लाइड लगा सकते हैं बेसिक एस्पिरेशन ऑफ फुलफिलमेंट, क्योंकि वहां पर सुख की क्लैरिटी के ऊपर हम जितना समय लगाए कि जो सुख प्रभाव या दबाव है उस तरीके से कंटेंट अगर पार्ट टू के वो जो फर्स्ट सेशन है बेसिक एस्पिरेशन के एंड इट्स फुलफिलमेंट वहां पर अगर आ जाए तो उससे एक्सप्लोरेशन जो है वो और अधिक तरीके से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। तो जब भी हम कंटेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातें बहुत आवश्यक है, और इसके साथ में हमारी अपनी हर एक व्यक्ति की गति हो रही है, हमारे हर एक व्यक्ति का अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से हम जा रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर कैसे शिफ्ट आते हैं वो भी ध्यान में रखकर हम वर्कशॉप्स के कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक का जो मीन्स 2020 से पहले जो फेस टू फेस वर्कशॉप और 2020 के बाद में जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स, उतने जितने लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया, हम सेल्फ इवैल्यूएशंस को सुनते हैं, कितने लोगों तक तो कौन से लेवल पर कितनी बात पहुंच पाती है,
ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि वो जो कंटेंट डेवलपमेंट है वो अगर हम कर पाए तो प्रॉपरली उस लेवल पर व्यक्ति को जो इनपुट चाहिए वो इनपुट मिल पाएगा और गति बढ़ पाएगी, ऐसी मुझे लग रहा है। एक बात है ये, मतलब कि ये ध्यान में रखकर हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करें कि किन लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी अभी तक की क्या तैयारी है और हम कितनी चीजों पर उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो ये बात तो ठीक है। ये जो साइन था जो हम लोग एक बनाए थे स्टॉप एंड थिंक या पॉज एंड थिंक वाला, ये साइन के संदर्भ में मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे साइंस डेवलप करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट बाकी चीजों के बारे तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर एक लोगों की बात हुई तो लोगों तो एक ही बनाएगा हमारा, वो तो ठीक ही है। हाँ। लेकिन वर्कशॉप में जब हम वो पोल या रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो चीजें दे रहे हैं वो और हमारा लोगो एक ही होना चाहिए या वो अलग अलग हो सकती है? तो अलग अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, और वहां पर जो आप कह रहे हो बात ठीक है। जी सर बिल्कुल ठीक है सर, ठीक बात है। और ये बात तो राजू भैया ठीक से एक्सप्लेन करेंगे कि स्टैंडर्ड्स मतलब क्या क्या यूज करने हैं प्रेजेंटेशन बनाते समय, वो कर लेना तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम उसको कैरी करने जाते हैं है ना, तो वो परेशानी पैदा करता है। तो ये जो लेआउट है, फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, कलर है, ये सब का आइडेंटिफिकेशन, एस्पेक्ट रेशियो है ना की बात है, तो ये सब चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो फिर वो प्रॉब्लम करता है, या प्रेजेंट प्रिंटिंग में लेकर जाना है तो वहाँ प्रॉब्लम करता है। तो इसको अगर हम लोग कर पाए तो अच्छी बात है। पोल के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, इसमें यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लिस्टेड है यहाँ पर, इसको हम लोग और एनालाइज करने की जरूरत है। तो जो बातें ध्यान में है उतनी यहाँ पर लिस्ट कर दी गई हैं, बट आप लोग इसको और एनालाइज कर सकते हैं। कीप देम सिंपल, चेक फॉर लिसनिंग एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ वेरिफिकेशन। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम पोल्स के थ्रू क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो सुन रहे हैं, दे आर प्रेजेंट एंड दे आर पेइंग अटेंशन। दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि वो अपने में सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें, सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकें, तो उसकी तरफ उनका ध्यान चला जाए। आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज प्रपोज्ड एंड व्हाट वाज नॉट प्रपोज्ड है ना, उससे ये पता लगेगा कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। इसी तरह से ये जो प्रश्न है कि क्या ये नहीं है, उसको अगर हम कम फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपना इस पर चर्चा हो गई पहले भी, बट उसका एक स्पेसिफिक यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि क्या है उस पर अगर हम फोकस करेंगे, और क्या नहीं है इसको हम बहुत मिनिमम पे ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उस पर बहुत डिटेल चर्चा हुई है पहले ही। आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल, आस्क आर यू एबल टू सी ऑप्शंस कैन बी। हाँ, इसमें अभी हम लोग ये बात कर रहे थे एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन के बारे और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस और ये सब जो डिटेल किए थे वो सबको ध्यान में रखकर हम प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा ही है। ये जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं ना, आर यू एबल टू सी, इसको पूछते समय ये जो बातें कही गई हैं इसको ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कि एक तो ऑप्शन ए कि यस वेरी क्लियरली एंड आई लिव लाइक दैट ऑल द टाइम, आई एम नॉट एबल टू लिव लाइक दैट, देख तो पा रहे हैं लेकिन जी नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई, या बिल्कुल नहीं देख पा रहे। इस तरह के ऑप्शन हम दे सकते हैं
अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई हम देख पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आप सहमत हैं कि असहमत हैं, हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न हम लोग नहीं पूछ रहे होंगे, बट अगर पूछ रहे हैं तो इसको जरा देखना पड़ेगा कि आप इससे सहमत हैं कि असहमत हैं। ये प्रश्न हम लोग नहीं पूछते हैं क्योंकि हम उसको सहमत या असहमत होने के लिए अभी नहीं कह रहे, हम तो एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न जाता है हमारी तरफ से या इस तरह का आशय जाता है तो उसको अपन है ना रोक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्विजेस के बारे जो है, जो पोल्स के बारे बातें की गई हैं वो मोटा मोटी क्विजेस के लिए भी अप्लाई होती हैं। टेस्ट में जो है लिसनिंग का है ना टेस्ट हो सके कि उन्होंने चीजों को सुना है कि नहीं ठीक से, और इस बात का टेस्ट हो सके कि उन्होंने अपने पर ध्यान दिया है कि नहीं और अपने पर सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ वेरिफिकेशन का काम किया है कि, और उसके आउटकम में देखेंगे तो उनको बात समझ में आई है। ये जो नीचे बात लिखी है कि ये जो टेस्ट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसको जरा एक बार एनालाइज कर दें तो उससे ये आइडिया लग जाएगा हम लोग को कि ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड तो नहीं है, मतलब जो हम उनसे एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं वो उसमें से हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इतने आसान है कि सभी उसका एक ही जैसा उत्तर देते हैं इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, या इतने डिफिकल्ट है कि वो आज अभी जो उनकी स्थिति है उसमें वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो इसको ध्यान में रखें। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है इसको जरा सोचना पड़ेगा कि जिस तरह के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बट जो भी होना चाहिए उसको समझ लें कि क्या आना चाहिए ताकि हम उससे नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, वो तय करने की बात है। तो बहुत आसान या बहुत डिफिकल्ट ना हो जाए ताकि उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ही ना निकाल पाए हम लोग। इस पर बहुत बार बात हुई है कि उसको रेंडमाइज करने की बात है इन पोल्स को, क्विजेस को, टेस्ट को, तो वो कर सकेंगे तो अच्छा है, खास करके जब हम लोग मूक और ये सब में जाने वाले हैं तब तो इसको करना ज्यादा उपयोगी होगा। असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस सेशंस, खुद में जो काम करना है या परिवार में काम करना है या किसी एक्टिविटी के रूप में करना है, इस तरह के असाइनमेंट्स है ना के बारे कुछ बातें हैं इसमें। उसमें एक तो हम लोग असाइनमेंट से ये चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने बात को ठीक से सुना है कि नहीं, जिन वास्तविकताओं के बारे बात हो रही है और जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उसको उन्होंने सुना है कि नहीं, ये बात उसमें से निकल कर आए असाइनमेंट्स में से। दूसरा ये कि उन्होंने सुना है तो अपने में एक्सप्लोर कर पाए हैं कि नहीं, अपने में वेरीफाई कर पाए हैं कि नहीं। तीसरा, इसके आउटकम के रूप में वो वास्तविकता को समझ पाए हैं कि नहीं, इस वास्तविकता की तरफ इंगित किया जा रहा था। उदाहरण के रूप में ये बात है कि जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम लोगों ने मतलब बनाया है कि एक्टिविटी ऑफ सेल्फ एंड एक्टिविटी ऑफ बॉडी, उसका एक मुख्य पर्पस यह है कि सेल्फ के बारे और बॉडी के बारे जो बातें हम लोगों ने कही हैं वो उसको ध्यान में आ गई है कि नहीं, उसके आधार पर वो सेल्फ की एक्टिविटी को देख पा रहा है कि नहीं, बॉडी की एक्टिविटी को देख पा रहा है कि नहीं, इन दोनों में क्या एकरूपता है और क्या डिफरेंस है इस बात को देख पा रहा है कि नहीं,
तो एक तो क्या उनको बताया गया वो उनके ध्यान में आया कि नहीं, उसको अपने में देख पा रहे हैं कि नहीं, उससे जो निष्कर्ष निकलना है वो निकाल पा रहे हैं कि नहीं, इन सबको इवेलुएट करने के हिसाब से असाइनमेंट्स को डिजाइन करने की बात है। तो उसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि या तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं, या उनसे उनका क्या उनको समझ में आया, क्या उनका टेक अवेज हुआ है ना, इसके इसको मेंशन करने के लिए उनसे कह सकते हैं। एक सेट तो ये है जो हम चाहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये एक और भाग यह है कि अभी तक की उसकी जो मान्यता है ना, जो संस्कार है उस पर उनका ध्यान गया है कि नहीं, उसको वो इवैल्यूएट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हैव बीन एबल टू इवैल्यूएट कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग आल्सो व्हाइल एक्सप्लोरिंग, जो उनके अभी मान्यता है संस्कार है ना, उसको हमने उसको देख पा रहे हैं कि नहीं, इस बात को भी हम इवेल्युएट कर सकें, इसको ध्यान में रखकर असाइनमेंट्स को डिजाइन करने की आवश्यकता है। उसका एक उदाहरण इसमें है, आस्क देम टू रीड अ पैसेज एंड रिस्पॉन्ड टू सम क्विज टाइप क्वेश्चंस और राइट अ समरी, से रीड द पैसेज अबाउट ट्रस्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रस्ट ऑन इंटेंशन एंड ट्रस्ट ऑन कॉम्पिटेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंशन एंड डिजायर। तो कई बार क्या है कि हम लोग जो बात कह रहे हैं उनको मोटा मोटी तो ध्यान में आ जाता है, लेकिन उसके बारे जो उनका पहले से कई सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं वो उसके साथ मिक्स करके चलते हैं। तो जैसे ये जो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन एंड ट्रस्ट ऑन कॉम्पिटेंस की बात है, इस पर बहुत देर तक भी हम लोग इस पर कंफ्यूजन तो बनाए रखते हैं ना, हम लोग भी और दूसरे लोग भी, कि सब पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। ये विश्वास का भाव होना अपने में और दूसरे के साथ कार्यक्रम बनाना, ये दोनों में डिफरेंस है, ये बात ध्यान में नहीं आती। ये बात कि हरेक के प्रति हमारा विश्वास का भाव हो सकता है, लेकिन हर एक के साथ एक तरह का ही कार्यक्रम बनाएंगे ऐसा नहीं। कार्यक्रम तो हर एक के साथ जब हम बनाने जाएंगे तो अपना मूल्यांकन करेंगे, दूसरे का मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर कार्यक्रम बनाएंगे। तो कार्यक्रम सबके साथ अलग अलग होगा, अपनी और दूसरे की योग्यता के आधार पर, लेकिन विश्वास का भाव सभी के साथ होगा। ये बात उनके ध्यान में आ गया है कि नहीं, हमारे खुद के ध्यान में भी आ गया है कि नहीं, ये स्पष्ट होना जरूरी है। इसी तरह से सारी इच्छाएं जो है वो हमारी मूल चाहना है ऐसा नहीं है ना, उसमें से जो मूल चाहना है वो वही है जो हमको सहज स्वीकार या जो व्यवस्था सहज है, अन्यथा चीजें नहीं है। ये बात हमको स्पष्ट हो गई है कि तो ये सब चीजों को स्पष्ट करने के दृष्टि से भी असाइनमेंट्स को अपने को डिजाइन करने की जरूरत है। और ये तीसरा कैटेगरी जो है, उनकी चौथा कैटेगरी ये है कि ये जो भी समझा उसको अपने जीने से जोड़ पा रहे हैं कि हैव बीन एबल टू कनेक्ट विथ लिविंग एंड एक्सपेरिमेंट। तो शायद इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में उनको इतना जल्दी ना दिखाई पड़े, लेकिन लेवल वन पार्ट वन, रिफ्रेशर वन पार्ट वन पार्ट टू, इन सब में तो ये बातें हमको हम लोग पूछ सकते हैं। पूछ तो पहले वाले में भी सकते हैं, इंट्रोडक्टरी में भी, कम से कम उनका ध्यान जाएगा, बहुत क्लियर रिस्पांस भले ना आए लेकिन उनका ध्यान जाएगा कि एक तो सुनना है प्रपोजल को, अपने में जांच परख करना है, वेरीफाई करना है, तीसरा अपनी मान्यताओं को भी देखना है, संस्कारों को भी, और उसका भी मूल्यांकन करना है, और चौथा यह कि उसको अपने जीने में लाना है। ये चार चीजें होनी है सारे असाइनमेंट जो हम डिजाइन करेंगे उसमें, इन चार बातों को ध्यान में रखकर डिजाइन करेंगे। तो
तो ये बात असाइनमेंट या असाइनमेंट्स के संदर्भ में, प्रैक्टिस सेशन और एक्टिविटीज के संदर्भ में। ये एक काम है जो थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन इसको और करने की जरूरत है कि हम एफडीपी के पहले है ना, जो प्री पोस्ट एफडीपी सर्वे करने की बात है उसको अगर ठीक से डिजाइन कर लें, तो फिर एफडीपी के बाद अगर उसको हम फिर से भरेंगे तो हमको इम्पैक्ट का पता लग जाएगा। तो उसको प्रॉपरली डिजाइन करने की बात है। थोड़ा बहुत हम लोग किए हैं, बट थोड़ा बहुत ही है। उसको अगर प्रॉपरली डिजाइन कर लेंगे तो ऑनलाइन हम लोग इवेल्युएशन करने का काम उसको कर सकते हैं, और उससे निष्कर्ष निकालने का काम भी हो सकता है। कोई इम्पैक्ट स्टडी के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और कई सारी चीजों पर हमारा ध्यान जाने के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको करने के दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, अगर हम पूछ सके है ना, तो उससे जिसके माध्यम से हम उनके इनिशियल स्टेट ऑफ माइंड के बारे जान सके, और फिर एफडीपी के बाद उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा इसको अगर हम इवेल्युएट कर सकते हैं तो इम्पैक्ट की स्टडी हो सकती है। तो ये थोड़ा ज्यादा उस तरह का काम है, और मुझे लगता है कि जिनका थोड़ा बहुत इस तरह का रिसर्च का बैकग्राउंड है या साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, जो लोग इस तरह के प्रश्न बनाते रहते हैं, उनसे थोड़ा अपने को उनको या तो इस ग्रुप में शामिल करना चाहिए या उनको देना चाहिए अपनी तरफ से जो क्राइटेरिया है उसको बताते हुए कि भाई इस तरह के हमको एमसीक्यू चाहिए या मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन चाहिए, जिससे हम किसी व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड क्या है ना, उसका हम इवैल्यूएशन कर सके, और उसको फिर हम पोस्ट प्री सर्वे एंड पोस्ट प्री वर्कशॉप एंड पोस्ट वर्कशॉप अगर हम कंडक्ट कर लें तो उससे हमको क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है इसको अपने को थोड़ा उस तरह से ले लेना चाहिए कि हम में से कुछ लोग इसकी जिम्मेदारी लें, एक ग्रुप इसको वर्कआउट करे जरा। तो यहाँ पे एक सजेशन ही है कि एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर हम ये पूछते हैं कि मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, ये प्री वर्कशॉप एंड पोस्ट वर्कशॉप अगर पूछेंगे तो हमको ये पता चल जाता है कि उसके एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी क्या रहा है और क्या अभी है, तो क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह से ट्रस्ट इज बिल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद ईच पर्सन। तो वो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट्स के बेसिस पर ट्रस्ट बनाने का जो मानसिकता है उसके तहत ये हमको लगता है कि भी बहुत समय लगता है एक एक व्यक्ति के साथ ट्रस्ट बनाने में। तो अगर उसको ये क्लियर है कि ट्रस्ट ऑन इंटेंशन तो समझ पर बेस्ड है, तो फिर इसका ये ओपिनियन जो है या सोच जो है उसमें सिग्निफिकेंट बदलाव होगा। तो इस तरह के प्रश्न, इस तरह के बिंदु पर उनके राय लेकर हम इवेल्युएट कर सकते हैं, और उसको किसी एक स्केल में डिफाइन कर सकते हैं 1 to 5 में। तो कोई अगर ये मानता था कि मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और उसको 5 नंबर दे रहा है, वर्कशॉप के बाद अगर उसको 2 नंबर दे रहा है या 1 नंबर दे रहा है, तो उसके इस परसेप्शन में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, इस बात को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस तरह का काम करना है, अभी ये स्पेसिफिक काम है।